गट्टू चिंकी लर्निंग कंप्यूटर। स्कूल में बच्चों का मन लगा रहता है और इसका असली कारण है कि स्कूल बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताना पसंद करते हैं। कई बार बच्चों की जरूरत स्कूल समझता है और उसी तरह से कई तरह के प्रोग्राम भी अरेंज करता है। स्कूल में टीचर इसी तरह के प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बता रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम हमारे स्कूल में प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें तुम सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, किस तरह का प्रोग्राम? तो बच्चों, हमारे स्कूल में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नहीं थे और काफी दिनों से टीचर्स का पूरा स्टाफ इस बारे में काम कर रहा था। अब हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आएंगे। कल ही कंप्यूटर की सारी अरेंजमेंट हो जाएगी और सभी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अरे वाह, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आएगा? वाह, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। मुझे भी सीखना है कंप्यूटर। वाह, कंप्यूटर तो हर स्कूल में होता है, अब हमारे स्कूल में भी आएगा। इस तरह से कंप्यूटर को लेकर सभी बच्चों में बातचीत शुरू हो गई और क्लास में बच्चों की आवाज भी बढ़ने लगी। बच्चों शांत हो जाओ, ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट होगा जिसकी नोटिस भी आज नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। टीचर क्लास से चले गए। गट्टू चिंकी हरी बंटी पिंकी और भूषण सभी कंप्यूटर को लेकर उछल कूद करने लगे। ये कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, ये हाँ कंप्यूटर सीखेंगे, हम कंप्यूटर सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे सर के इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगे। सभी स्टूडेंट्स, हमारे नए बने कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ेंगे, सभी एक रो बनाओ। उसी तरह बच्चों ने एक लाइन बनाई और कंप्यूटर लैब की तरफ चलने लगे। एक बड़ा सा हॉल जिसमें एयर कंडीशनिंग की हवा चल रही थी और कई सारे कंप्यूटर टेबल पर रखे गए थे। एकदम नया हॉल देखकर बच्चों के चेहरे भी चमक उठे। वाव, कितना अच्छा बना है कंप्यूटर लैब। बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आप सभी के कंप्यूटर शुरू है, आप कंप्यूटर के बारे में जो भी जानते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करना, बाद में सभी को ट्रेनिंग देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या है? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, लेकिन कुछ बिगड़ गया तो? मुझे तो लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर बिना सीखे चलाना कैसे पॉसिबल होगा? चलो, पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो जब तक टीचर सिखाते नहीं तब तक बस देखते ही रहते हैं। कोई बात नहीं करेगा, जितना तुम कंप्यूटर को समझते हो उतना अप्लाई करने की कोशिश करो। गट्टू और चिंकी बड़े ही ध्यान से कंप्यूटर को देखने लगे। चिंकी ने पूरा कीबोर्ड ध्यान से देखा और कंप्यूटर को अब्सॉर्ब करने लगी। गट्टू ने भी कंप्यूटर को ध्यान से देखा और अपने आप गट्टू ने माउस हाथ में लिया। देखो चिंकी, इससे हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है, इसे शायद माउस कहते हैं। चिंकी ने भी अपने हाथों में माउस लिया और यूज करने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की वजह से एक एरो आया। ये देखो चिंकी, एरो आया। हाँ, इसी से हम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। चिंकी माउस को ऊपर नीचे कर एरो से खेलने लगी। अरे वाह, कंप्यूटर तो आसान होता है, मुझे जम गया। दूसरी ओर बंटी ने कंप्यूटर का बटन ही बंद कर दिया और कंप्यूटर बंद हो गया। अरे बाप रे, मुझसे तो कंप्यूटर बिगड़ गया। टीचर तेजी से बंटी की ओर बढ़े और देख कर हंसने लगे। बंटी, तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया, खराब नहीं हुआ है, लेकिन याद रहे कंप्यूटर इस तरह से बंद नहीं करना, पहले शटडाउन किया जाता है। और फिर टीचर ने बंटी को कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करके दिया और बंटी को शटडाउन करना भी सिखाया। कंप्यूटर बंद हो गया और बंटी ने फिर से एक बार कंप्यूटर शुरू कर दिया। अच्छा सर, कंप्यूटर बंद करना तो सीख गए, लेकिन हमें चलाना भी सीखना है। सर, गट्टू ने मुझे इस माउस के बारे में बताया जिस वजह से कंप्यूटर चलाने में आसानी हो रही है। वेरी गुड गट्टू, अब मैं तुम्हें कंप्यूटर की कुछ बेसिक फंक्शन सिखाता हूँ। टीचर ने चिंकी के कंप्यूटर पर ड्राइंग के लिए पेंट ओपन करके दिया। सभी बच्चे अपने कंप्यूटर में पेंट ओपन करेंगे। पहली बार जब कंप्यूटर सिखाया जाता है तो सबसे पहले माउस चलाने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यस सर,
माउस चलाया जाएगा तभी तो कंप्यूटर में कुछ कर पाएंगे। राइट, अब सभी अलग अलग शेप्स लेकर अच्छा सा चित्र बनाएंगे। टीचर ने कहा। उस तरह से बच्चों ने माउस की मदद से ड्राइंग बनानी शुरू की। चिंकी ने अच्छा सा घर ड्राइंग बनाया। राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, लाइंस, इस तरह की शेप्स एडजस्ट करने में चिंकी का माउस पर हाथ साफ हो गया। बहुत जल्द चिंकी माउस को हैंडल करना सीख गई। देखो गट्टू, बन गया मेरा ड्राइंग। तुमने क्या बनाया? देखो चिंकी, माउस में अब अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाया है जो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। चिंकी के साथ साथ टीचर और बाकी बच्चे भी हंसने लगे। गट्टू, अच्छे से बनाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। इस तरह से गट्टू चिंकी ने करीब से कंप्यूटर को हैंडल करना सीखा। गट्टू ने और समय देकर माउस चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की। जैसा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम 8 दिन चलेगा तो कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है? सर, हमें और प्रैक्टिस करनी है। ऐसी बात है तो तुम कल जल्दी आकर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह से आज का कंप्यूटर के साथ समय भी खत्म हो गया। गट्टू चिंकी घर पहुँचे। आते ही गट्टू चिंकी मम्मी को आवाज देते हुए शोर करने लगे। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पापा घर पर ही थे। पापा बोले, गट्टू चिंकी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? पापा दिखते ही गट्टू ने पापा से उनका लैपटॉप मांगा। पापा, मुझे आपका लैपटॉप दीजिए ना। लैपटॉप? लैपटॉप क्यों चाहिए तुम्हें? आज हमने कंप्यूटर सीखा। क्या बात है गट्टू, स्कूल में कंप्यूटर चलाना सीख गए? अभी नहीं पापा, लेकिन मुझे माउस चलाने की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज दीजिए ना आपका लैपटॉप। मम्मी पापा और गट्टू की बात सुनकर उनके पास आते हुए बोली, गट्टू बेटा, कंप्यूटर लर्निंग प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह सीख पाओगे, लेकिन कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना ठीक होगा। लैपटॉप में पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं ना? ओह मम्मी, पापा अपना पूरा काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही करते हैं ना? हाँ चिंकी, इसीलिए तुम दोनों भी स्कूल कंप्यूटर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ गट्टू चिंकी, अगर तुम अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो तो हम घर पर ही एक कंप्यूटर लेंगे, क्यों, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच मम्मी पापा? यो हो हो, तो फिर हम जल्द से जल्द अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे ताकि घर पर भी कंप्यूटर आए। इस तरह से गट्टू और चिंकी ने स्कूल के कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 9 दिन कंप्यूटर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और मन लगाकर कंप्यूटर भी सीख गए। स्कूल प्रोजेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए थे और आज से सर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे थे। इसका नाम था इमरजेंसी व्हीकल्स। चलो बच्चों, अपने अपने बुक्स खोलो, आज हम नया पार्ट सीखने वाले हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स। और किसे किसे पता है कौन कौन से इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं? इसी तरह मिलकर सारे बच्चों ने सारे आंसर्स दिए। आज सुबह ही मुझे नोटिस मिली है कि अगले हफ्ते स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन है। नाउ टुडे आई विल मेक ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट एंड आई विल गिव ईच टीम ए टाइटल एंड यू ऑल हैव टू मेक ए प्रोजेक्ट एंड सबमिट द मॉडल इन नेक्स्ट वीक, ओके? लेकिन हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में होगा? हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा और ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे साइंस बुक के आधार पर ही दिए गए हैं। गट्टू, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है इमरजेंसी व्हीकल्स। राजू, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है मैग्नेट एंड इट्स टाइप्स। गुड्डी, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तुम्हें इन सभी प्रोजेक्ट्स के मॉडल बनाकर लाने हैं। चलो अभी मैं तुम्हारे 4-4 मेंबर्स के ग्रुप बनाता हूँ और फिर तुम लोग घर जाकर प्रोजेक्ट मॉडल बनाना। गट्टू, चिंकी, बंटी, हरी, तुम चारों का घर एक दूसरे के आसपास ही है, तुम एक ग्रुप में, ठीक है? तुम्हारा ग्रुप नंबर 1। ये बहुत मजा आएगा। तुम दोनों आज शाम स्कूल की छुट्टी पर मेरे घर पर आ जाना, फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अरे लेकिन हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे? सब लोग चुप रहो, मस्ती मत करो, मुझे अपना काम करने दो। इसी तरह टीचर ने सबको 4 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। स्कूल छूटते ही गट्टू चिंकी अपने घर पहुंचे और आज जो जो मस्ती की वो मम्मी पापा को बताने लगे। पता है मम्मी पापा, आज स्कूल में क्या हुआ? हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे और राजू खेलते खेलते धड़ाम से गिर गया। गट्टू, इस तरह दूसरों के ऊपर नहीं हंसते।
वो सब छोड़ो ना, मम्मी पापा हमें ना स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, वो भी नया। यू नो वी हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड सबमिट द मॉडल इन नेक्स्ट वीक। यस, आई एम एक्साइटेड टू मेक द न्यू प्रोजेक्ट, बट हु विल हेल्प अस टू मेक इट? अरे तुम्हारे ट्यूशन टीचर से पूछो ना, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। चल चिंकी, जल्दी से ट्यूशन की तैयारी करें, हम ट्यूशन टीचर के पास जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दोनों ने फटाफट तैयारी की और वो ट्यूशन जा पहुँचे। बताओ बच्चों, आज तुम्हें स्कूल में क्या होमवर्क मिला है? टीचर जी, आज हमें बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है और वो हमें नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना है। मैं, हरी और बंटी, हम चारों का एक ग्रुप है। हाँ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वो मॉडल कैसे बनाएंगे। प्रोजेक्ट किस बारे में है और कौन सा मॉडल बनाना है? इमरजेंसी व्हीकल्स। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले हफ्ते तक बच्चों ने एक सुंदर सा एम्बुलेंस का मॉडल बना लिया और पापा की मदद से एम्बुलेंस के ऊपर इमरजेंसी हॉर्न भी लगा दिया। याहू, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कितना मस्त दिख रहा है। अब मैं ऐसे ही एम्बुलेंस का ड्राइवर बनूंगा और सारे लोगों की जान बचा लूंगा। बुद्धू, एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं, डॉक्टर पेशेंट की जान बचाते हैं। नहीं चिंकी, ऐसी बात नहीं करते बेटा। डॉक्टर तो पेशेंट की जान बचाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर भी पेशेंट की जान बचाने में उतने ही मदद करते हैं। अरे एम्बुलेंस के ड्राइवर टाइम पर पहुंच पाते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, इसलिए वक्त रहते डॉक्टर पेशेंट की जान बचा पाते हैं। सॉरी पापा, इससे आगे मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। इसीलिए तो इन सारे व्हीकल्स को इमरजेंसी व्हीकल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके ड्राइवर वक्त रहते हर जगह पर पहुंच जाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। चलो अभी स्कूल का वक्त हो गया है, आज कंपटीशन है ना, जल्दी जाओ। सभी बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर कंपटीशन में पहुंच गए। गट्टू और चिंकी का प्रोजेक्ट बहुत मस्त बना था, बंटी और हरी ने भी उन्हें बहुत मदद की थी। अब बारी थी प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले आया राजू का ग्रुप, मॉडल दिखाकर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। We have this magnet and in this magnet we have the south pole and the north pole which give you the attractive force to equal and opposite poles। मैग्नेट का उपयोग बड़े बड़े कंपनीज में, मशीन्स में किया जाता है। थैंक यू। वेरी गुड बच्चों, अब अगली बारी है गट्टू के ग्रुप की। गट्टू, चिंकी, हरी और बंटी अपने मॉडल्स दिखाकर उनके बारे में बताने लगे। हेलो एवरीबॉडी, ऑल वी आर प्रेजेंटिंग यू द प्रोजेक्ट ऑफ इमरजेंसी व्हीकल्स। वी हैव डिफरेंट इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसके लिए हम एम्बुलेंस यूज करते हैं। वी हैव फायर ब्रिगेड, जब कहीं पर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड इमरजेंसी व्हीकल बनकर आती है और आग में फंसे हुए लोगों को बचाती है। दिस इज अ पुलिस वैन। अगर किसी घर में चोरी होती है और हमने 100 डायल किया तो पुलिस वैन जल्दी से आ जाती है और चोरों को पकड़ कर ले जाती है। थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। सारे बच्चों के प्रेजेंटेशन हो गए और आखिरकार रिजल्ट का वक्त आ गया। तो आज के विनर है गट्टू, चिंकी, हरी और बंटी का ग्रुप। ये हम जीत गए। चारों भी दौड़ते दौड़ते स्टेज के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने गेस्ट के हाथ से अवार्ड लिया। कंग्रेचुलेशंस बच्चों। फ्रेंडशिप डे आने वाला था और गट्टू, चिंकी साथ में बैठकर प्लान कर रहे थे कि वो इस बार अपने फ्रेंड्स के लिए कैसा कार्ड बनाएंगे। चिंकी, लास्ट ईयर हमने सबके फेवरेट फ्रूट्स की शेप में कार्ड बनाया था ना, जैसे गुड्डी का फेवरेट मैंगो शेप कार्ड और बंटी का फेवरेट पाइनएप्पल शेप कार्ड। हाँ गट्टू, वो तो सबको बहुत पसंद आया था। हाँ तो इस बार हम क्या डिफरेंट करेंगे, कुछ सोचा है क्या तुमने? नहीं गट्टू, अभी बस सोच ही रही हूँ, कोई अच्छा आइडिया ही नहीं आ रहा है मुझे। तभी गट्टू और चिंकी पुंटुन क्लासरूम की एक वीडियो देखते हैं।
जिसमें DIY फ्रेंडशिप बैंड बनाना सिखाते हैं। ओ वाओ चिंकी, एक आइडिया आ गया मुझे। हम इस बार कार्ड्स की जगह पे बैंड्स बनाते हैं ना, बताओ कैसा रहेगा? हाँ गट्टू, मुझे भी तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलो काम शुरू करते हैं। फिर गट्टू चिंकी अपने काम में लग जाते हैं। वो बैंड्स बनाने के लिए सारा सामान ले आते हैं। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.untunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। तभी चिंकी को एक आइडिया आता है। गट्टू, क्यों ना हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए उनके फेवरेट कलर के बैंड्स बनाएं? हाँ चिंकी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ऐसा ही करते हैं। कोटी का फेवरेट कलर तो ग्रीन है, और बंटी का? बंटी का फेवरेट कलर तो ब्लू है शायद, नहीं वाइट है शायद, अरे नहीं नहीं ब्लू है, हाँ ब्लू। वाह, तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो गट्टू, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कलर भी नहीं पता? नहीं नहीं चिंकी, पक्का ब्लू ही है, हाँ मैं श्योर हूँ। चलो फिर काम शुरू करते हैं। फिर गट्टू चिंकी बिल्कुल वैसा ही बैंड्स बनाते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा था। मम्मी भी उन्हें देखकर खुश हो रही थी। वाओ गट्टू चिंकी, तुम्हारे बैंड्स तो बहुत प्यारे बने हैं, तुम दोनों तो सच में बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। हाँ मम्मी, देखिएगा गुड्डी और बंटी को ये बैंड्स बहुत पसंद आने वाले हैं। हाँ, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम उन्हें ऐसा सरप्राइज देंगे। बैंड्स बनाते बनाते अचानक से गट्टू चिंकी एक स्टेप पे अटक जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम रुक क्यों गए? मम्मी देखिए ना, मुझसे इस बैंड की नॉट ही नहीं बन रही है। हाँ मम्मी, मैंने भी ट्राई किया पर मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। अरे कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, लाओ मुझे दिखाओ, मैं हेल्प करती हूँ तुम दोनों की। फिर मम्मी बहुत ध्यान से बैंड्स की नॉट बनाती है और गट्टू चिंकी उन्हें अब्सॉर्ब करते हैं। ये लो, हो गया। वाह मम्मी, आपने तो कितनी आसानी से कर दिया। हाँ मम्मी, आप तो बेस्ट हो। थैंक यू बच्चों। अच्छा तो तुम लोग आगे का काम करो, मैं जाके तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। इतना काम करते करते तुम दोनों थक गए होंगे ना? हाँ मम्मी, गट्टू तो पक्का भूखा हो गया होगा, इसे बहुत भूख लगती है ना? और क्या, इतना काम किया है मैंने, मैं तो सच में थक गया हूँ। मम्मी बताइए ना, आप क्या बनाएंगी हमारे लिए? तुम दोनों बताओ तुम्हें क्या खाना है? चीज पराठा। नहीं नहीं, अभी कल ही तो खाया था चीज पराठा। मम्मी आप कुछ हेल्दी बनाइए ना। तो फिर मैं वेजिटेबल सूप बनाती हूँ। हाँ मम्मी, वो बेस्ट रहेगा। फिर मम्मी सूप बनाती है और गट्टू चिंकी सूप एंजॉय करते हुए अपने बैंड्स बनाते हैं। ये फाइनली हमारे बैंड्स बन गए। वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन्हें हमने बनाया है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अरे वाह, सच में बहुत अच्छे बैंड्स बनाए हैं तुम दोनों ने, गुड जॉब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गट्टू, कब कल हम स्कूल जाएंगे और कब इन्हें गुड्डी और बंटी को देंगे? हाँ चिंकी, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से कल का दिन आ जाए बस। मम्मी गट्टू और चिंकी की बात सुन के हंसती है और उन्हें डिनर करने के लिए कहती है। चलो अब तुम दोनों जल्दी से डिनर करके सो जाओ, तभी तो कल का दिन आएगा। ओके मम्मी। अगले दिन गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटमेंट में तैयार होते हैं और जल्दी से स्कूल चले जाते हैं। वहाँ गुड्डी और बंटी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सारे बच्चे आपस में एक दूसरे को विश करते हैं। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और फिर धीरे से अपने बैंड्स को बैग से निकालते हैं। वाओ, ये लो बंटी, ये तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप बैंड, वो भी तुम्हारे फेवरेट ब्लू कलर में। और ये तुम्हारे लिए गुड्डी, ग्रीन कलर का फ्रेंडशिप बैंड। गुड्डी और बंटी अपने बैंड्स देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ चिंकी, कितना सुंदर है ये बैंड, थैंक यू सो मच। सच में गट्टू, बहुत सुंदर बैंड है ये, ये तुमने बनाया कैसे? हमने ये बैंड्स वीडियो से देखकर बनाया है। हाँ, वहीं से देखकर हम इतने सुंदर बैंड्स बना पाए। थैंक यू सो मच चिंकी, मुझे सच में ये बैंड बहुत पसंद आया। और तुम्हें भी थैंक यू गट्टू, ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ चिंकी, मैं भी तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फिर सब बच्चे साथ में कैंडी और चॉकलेट एंजॉय करते हैं। वीडियो कॉल पे राखी।
राखी आने वाली थी और इस बार गट्टू और चिंकी बहुत टेंशन में थे। इस बार गट्टू और चिंकी राखी में साथ नहीं रहने वाले थे। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि गट्टू और चिंकी राखी साथ में नहीं मनाए। चिंकी को मम्मी के साथ कुछ जरूरी काम से नानी के घर जाना पड़ गया था। चिंकी, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। परसों ही राखी है, क्या करेंगे हम इस बार? हाँ गट्टू, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कैसे तुम्हें राखी बांधूंगी इस बार? मैंने मम्मी से पूछा कि क्या मैं वापस घर जा सकता हूँ, पर उन्होंने कहा कि अभी 3-4 दिन और रुकना पड़ेगा। अरे ये तो सच में बहुत बुरी बात है गट्टू, अब हम क्या करेंगे? गट्टू चिंकी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पापा वहाँ आ जाते हैं और उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। गट्टू बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे तुम और चिंकी राखी साथ में मना पाओगे। क्या सच में पापा? बताइए ना, क्या आइडिया है आपके पास? देखो गट्टू बेटा, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर तुम और चिंकी साथ में राखी सेलिब्रेट कर पाओगे। क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से? पर वो कैसे पापा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। गट्टू, जैसे तुम और चिंकी आपस में कॉल पे बात कर रहे हो, वैसे ही तुम दोनों आपस में वीडियो कॉल करके भी तो राखी सेलिब्रेट कर सकते हो ना। गट्टू पापा की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पापा से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो गट्टू बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी राखी लाके रख दूंगा और तुम चिंकी को वीडियो कॉल करके वो राखी बंधवा लेना, और फिर जब चिंकी वापस आए तब फिर से एक राखी उससे बंधवा लेना। पर पापा, मैं हर बार चिंकी को उसकी फेवरेट चॉकलेट्स गिफ्ट करता हूँ, इस राखी पे मैं उसे वो चॉकलेट्स कैसे गिफ्ट करूँ? अरे गट्टू, ये काम भी तुम आराम से कर सकते हो। तुम चिंकी की पसंद की चॉकलेट्स ऑर्डर करके नानी के घर पे ही डिलीवर करा सकते हो। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी ऑर्डर करें puntunkids.com से और हर ऑर्डर पे पाए एक राखी फ्री। फिर गट्टू पापा की हेल्प से चिंकी के लिए चॉकलेट्स ऑर्डर करता है और वो चॉकलेट्स के साथ में एक पर्सनलाइज मैसेज भी लिखवाता है जिससे कि चिंकी को सरप्राइज मिले। वाओ पापा, ये तो बहुत इजीली हो गया, अब तो मुझसे राखी का वेट भी नहीं हो रहा है। राखी का दिन आ ही जाता है और गट्टू सुबह से काफी एक्साइटेड होता है। वो जल्दी जल्दी नहा कर रेडी होता है और फिर चिंकी को वीडियो कॉल करता है। हेलो गट्टू, हैप्पी रक्षाबंधन, कैसे हो तुम? हैप्पी रक्षाबंधन चिंकी, मैं अच्छा हूँ, बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और वाओ, तुम तो बहुत अच्छे से रेडी हुई हो। हाँ गट्टू, मैंने सोचा मैं बिल्कुल वैसे ही रेडी हूँ जैसे घर पे होती हूँ। गुड चिंकी गुड, ये तुमने अच्छा किया, इसी से तो फील आएगा फेस्टिवल का। गट्टू बेटा, तो तुम रेडी हो अपनी पहली वीडियो कॉल पर राखी सेलिब्रेट करने के लिए? चलो फिर बच्चों, अब देर किस बात की, राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर गट्टू अपनी राखी खुद बांध लेता है और चिंकी वीडियो कॉल पे गट्टू को लड्डू खिलाने की एक्टिंग करती है। गट्टू चिंकी दोनों इस बात पे हंसते हैं, तभी नानी के घर की डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आया होगा? जाओ जाओ चिंकी, जाके गेट खोल कर देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है। क्या सच में गट्टू? रुको मैं अभी जाके गेट खोलती हूँ। चिंकी एक्साइटमेंट में जाती है और गेट खोलकर देखती है। अपनी फेवरेट चॉकलेट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह गट्टू, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है, और वो भी इतनी सारी, तुमने मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज भेजा। मैं बहुत खुश हूँ चिंकी कि तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया। हाँ बहुत पसंद आया गट्टू, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं इसमें से तुम्हारे लिए भी चॉकलेट्स बचा के घर लेकर आऊंगी। अरे वाह चिंकी, तो फिर मुझे भी दोगी ना अपनी चॉकलेट्स, या फिर केवल अपने प्यारे भाई के साथ ही शेयर करोगी? हाँ चिंकी, मुझे भी बताओ, मुझसे शेयर करोगी या नहीं? अरे नहीं नहीं पापा मम्मी, आपको भी दूंगी मैं, हम सब मिलकर खाएंगे। फिर ठीक है चिंकी। गट्टू, पापा तुम्हारे लिए मिठाई भी लाए हैं ना, चलो अब तुम चिंकी की तरफ से मिठाई खाओ और राखी का फेस्टिवल पूरा करो। हाँ मम्मी, अभी खाता हूँ। गट्टू तुम भी मेरे लिए मिठाइयाँ बचा लेना, जैसे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स बचा रही हूँ। अरे चिंकी तुम बिल्कुल फिकर मत करो, बहुत सारी मिठाई लाए हैं पापा, मैं चाह के भी इन्हें अकेले नहीं खा पाऊंगा। ठीक है गट्टू। मम्मी पापा गट्टू चिंकी का प्यार देख के बहुत खुश होते हैं
और इसी तरह सब मिलकर राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, आज हमने सीखा है कि अगर फैमिली में आपस में प्यार हो तो आप कितने भी दूर क्यों ना हो, आप हमेशा साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ पापा, हम समझ गए। गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी, उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भाग कर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मौसी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भाग कर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा, मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही है, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाव, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे? हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पांव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में, हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी? सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाओ, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी? मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा, हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं, हम सब भी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाव, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी की कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुँच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं, वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं। मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का, बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है, सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है, उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन, इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है,
मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है। देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी, इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे, उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुँच जाते हैं। वहाँ गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं। गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं, तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, उदास नहीं होते? मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू, चिंकी, मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। चिंकी का गरबा क्लासेस। 5 दिन में नवरात्रि आने वाली थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। गट्टू, चिंकी ड्राइंग रूम में खड़े होके गरबा प्रैक्टिस कर रहे थे और मम्मी किचन में नवरात्रि में बनने वाले स्पेशल खाने का सामान निकाल रही थी। अरे गट्टू, ये क्या कर रहे हो? देखो मुझे और ठीक से सारे स्टेप्स फॉलो करो। 1, 2, 3 राउंड राउंड क्लैप क्लैप। ओहो, वैसे ही तो कर रहा हूँ चिंकी, राउंड क्लैप राउंड क्लैप। नहीं गट्टू, तुम गलत कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से मुझे फॉलो करो। ऐसे करोगे तो अच्छे से सीख नहीं पाओगे, फिर कैसे नवरात्रि में अच्छे से गरबा कर पाओगे? हाँ चिंकी, मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। अब हर कोई तुम्हारी तरह गरबा एक्सपर्ट भी तो नहीं हो सकता ना। गट्टू, तुम तो जानते ही हो ना कि चिंकी डांस को लेकर कितना सीरियस है। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें चिंकी से गरबा सीखना है, तो अब मैनेज करो अपनी स्ट्रिक्ट गरबा टीचर के साथ। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे मम्मी, अगर मुझे पहले पता होता कि चिंकी इतनी स्ट्रिक्ट होने वाली है तो मैं उसे सीखता ही नहीं। चलो चलो गट्टू, बातें मत करो और मुझे ठीक से फॉलो करो। तभी कॉलोनी के कुछ बच्चे और सेक्रेटरी अंकल घर पे आते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आइए आइए, कैसे आना हुआ आपका? अरे देखिए ना, ये बच्चे जिद पकड़ के बैठे हैं कि इस बार नवरात्रि पे एक प्रॉपर गरबा नाइट ऑर्गेनाइज किया जाए। हर बार तो हम लोग थोड़ा बहुत गरबा कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर गरबा नाइट के लिए तो अच्छा खासा गरबा आना चाहिए ना, और इतना अच्छा गरबा भला हम बड़ों को कहाँ आता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना, अब आप ही समझाइए इन बच्चों को। बच्चों जिद मत करो, हम बड़े लोग इतनी जल्दी कैसे इतना अच्छा गरबा सीख पाएंगे, भला कौन सिखाएगा हमें? मम्मी और सेक्रेटरी अंकल मिलकर बाकी बच्चों को समझा रहे थे कि तभी गट्टू बोल पड़ता है, अरे मम्मी, अपनी चिंकी है ना स्ट्रिक्ट गरबा टीचर। सभी लोग गट्टू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। ओ, अब मैं? अरे नहीं, मैं कैसे, मैं बड़ों को कैसे गरबा सिखाऊंगी गट्टू? तुम्हें सिखाना एक अलग बात है। अरे इसमें क्या अलग, देखो कॉलोनी में सबको पता है कि बच्चा हो या बड़ा, सबसे अच्छा गरबा तो चिंकी ही करती है, और तुम इतनी स्ट्रिक्ट हो
और इतना सिंसियरली गरबा सिखाती भी हो कि सबको आ जाएगा। ये तो आपने मम्मी अभी देखा ना। ये सुनकर मम्मी सोचने लगती है और वो भी चिंकी को गरबा सिखाने के लिए मनाने लगती है। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि कॉलोनी में सबसे बेस्ट गरबा तो चिंकी ही करती है। तो क्या चिंकी बेटा, तुम हम सबको गरबा नाइट के लिए रेडी करोगी? सबकी बात सुनकर चिंकी कुछ सोच में पड़ जाती है, पर फिर गट्टू और मम्मी की आंखों में उसके लिए जो कॉन्फिडेंस था, उसे देखकर चिंकी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो आज शाम से ही सबकी प्रैक्टिस शुरू। सारे लोग शाम को कॉलोनी के पार्क में मिलेंगे और कोई भी लेट नहीं करेगा। देखा मम्मी, स्ट्रिक्ट चिंकी अपने फॉर्म में आ गई है। सारे लोग इस बात पे हंस पड़ते हैं। फिर क्या था, शाम से ही चिंकी की गरबा क्लासेस शुरू हो जाती है। सारे लोग चिंकी के बताए टाइम पे पार्क में इकट्ठे होते हैं। लो चिंकी बेटा, सब लोग आ गए हैं। बताओ अब हमें क्या करना है? आप सब लोग एक सर्कल बना लीजिए, मैं सेंटर में खड़े होकर आप सबको गाइड करती जाऊंगी। और सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी गैप पे खड़े होना, तभी आराम से स्टेप्स फॉलो हो पाएंगे। सब लोग सर्कल बना लेते हैं। गरबा के लिए आपको अपनी बॉडी एकदम फ्री छोड़नी होगी। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन बिल्कुल भी फोर्स मत करिएगा। जितना आपसे हो सके उतना ही बेंड होना है। ओके चिंकी। अब आप लोग मुझे देख के ये स्टेप्स करने की कोशिश करिए। 1 2 क्लैप क्लैप राउंड। फिर चिंकी कुछ स्टेप्स करती है और सब उसे फॉलो करते हैं। 1 2 क्लैप क्लैप राउंड। ऐसे ही चिंकी रुक रुक के कई स्टेप्स करती है और सबको ध्यान से ऑब्जर्व करती है। मुझे लगता है कि हमें दो अलग अलग टीम्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप सब में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आराम से स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओहो चिंकी, तुम तो कितने अच्छे से सबको ऑब्जर्व कर रही हो। हाँ मम्मी, तो अब मैं जिस जिस का नाम लूँ वो दूसरी तरफ आके खड़ा हो जाए। फिर चिंकी काफी सारे लोगों को एक एक करके बुलाती है और पापा और गट्टू भी उसी टीम में थे, मम्मी दूसरी टीम में थे जिसमें लोग आराम से डांस कर ले रहे थे। अब मैं दोनों टीम्स को अलग अलग तरह से गरबा सिखाऊंगी, ओके? फिर चिंकी सबको एक एक करके डांस सिखाती है। देखिए, आप लोग अच्छा गरबा कर ले रहे हैं। आपको बस सारे स्टेप्स याद करने हैं और खूब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप लोगों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है और साथ में स्टेप्स याद करके खूब प्रैक्टिस करनी है। सब चिंकी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, तो हम रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे ताकि गरबा नाइट पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर इसी तरह चिंकी रोज अपनी बनाई हुई दोनों टीम्स को एक एक करके गरबा सिखाती है। फिर गरबे के ठीक एक दिन पहले वो सबको गरबा सिखाने के बाद उनसे कहती है, अब आप सब लोग कल की गरबा नाइट के लिए एकदम रेडी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी बेटा, अगर तुमने हमें सिखाया ना होता तो इतना बढ़िया गरबा इतने कम टाइम में कैसे सीख पाते। हाँ चिंकी, थैंक यू। वेलकम। अगली रात को सब लोग घाघरा चोली और पैजामे कुर्ते में कॉलोनी में ऑर्गेनाइज गरबा नाइट में आते हैं। ओहो मम्मी, आज तो सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सच में नवरात्रि की धूम ही कुछ ऐसी होती है। हाँ गट्टू, सही कहा तुमने। अरे मम्मी, ये चिंकी और पापा कहाँ रह गए? दोनों कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो देखो गट्टू, पंडाल के बाहर देखो, वो रहे दोनों। दोनों अपनी लास्ट मिनट गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओहो क्या बात है। रुकिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। 1 2 राउंड क्लैप क्लैप। चलिए पापा, चलो चिंकी, अब फाइनल परफॉर्मेंस की बारी है। बहुत हो गई प्रैक्टिस। गट्टू सही कह रहा है पापा, चलिए। फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डीजे स्पीकर्स पे गरबा म्यूजिक प्ले कर देता है। सब लोग गरबा म्यूजिक पे थिरकने लगते हैं और साथ में खूब मजे करते हैं। इसी के साथ गट्टू चिंकी और कॉलोनी वालों की गरबा नाइट कम्प्लीट होती है। गट्टू मीट्स एन आर्मी ऑफिसर। एक दिन स्कूल में आर्मी कैंप के लिए सिलेक्शन को लेकर एक प्रोसेस हुआ जिसमें गट्टू अव्वल आया।
जैसा कि हमारे स्कूल ने इंडियन आर्मी कैंप को विजिट करने के लिए और कैंप में जाने का मौका देने के बारे में सोचा, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी हुआ और हमारे स्कूल के कुछ बच्चे इंडियन आर्मी कैंप विजिट के लिए चुने गए। उनमें से गट्टू, चिंकी, भूषण, इनका नाम सिलेक्शन हुआ है। गट्टू और चिंकी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि गट्टू को काफी पहले से आर्मी ऑफिसर से मिलने की महत्वाकांक्षा थी और अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस चिंकी, हम लोग सिलेक्ट हो गए। यस गट्टू, अब हम इंडियन आर्मी कैंप विजिट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। चलो घर जल्दी चले, तैयारी भी तो करनी है। गट्टू चिंकी घर आकर मम्मी और पापा को इंडियन आर्मी कैंप के बारे में बताने लगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी, इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। उन्हें देखकर तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है तुम दोनों को आर्मी से जरूर सीखने को मिलेगा। मेरे बच्चे कैंप जाएंगे। मम्मी गट्टू और चिंकी को प्यार से सराहने लगी। थैंक यू सो मच मम्मी। गट्टू चिंकी, तुम्हारे साथ और कौन है? पापा, हमारे साथ भूषण का भी सिलेक्शन हुआ है और स्कूल टीचर भी हमारे साथ होंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर जल्दी सो जाओ और अलार्म लगा देना, जल्दी उठना होगा ना तुम दोनों को भी। यस। गट्टू चिंकी सो गए। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही गट्टू और चिंकी उठ गए। गट्टू और चिंकी ने मम्मी को उठाया। मम्मी ने गट्टू और चिंकी की सारी तैयारी कर दी। गट्टू ने सर पर खाकी टोपी लगाई और स्पोर्ट्स शूज के साथ आर्मी ऑफिसर से मिलने तैयार हो गया। चिंकी ने भी आर्मी कलर का फ्रॉक पहना। दोनों भी काफी एक्साइटेड है। सुबह सुबह गट्टू, चिंकी और भूषण स्कूल के टीचर के साथ इंडियन आर्मी कैंप में पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने बहुत बड़ा ग्राउंड देखा, जहां पर आर्मी ऑफिसर्स के टेंट लगे हैं और एक बड़ा सा आर्मी ट्रूप सावधान पोजीशन में खड़ा है। सर, क्या हम इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात भी कर पाएंगे? हाँ हाँ गट्टू, क्यों नहीं, तुम अपने सवाल भी पूछ सकते हो। गट्टू बहुत खुश हो गया। गट्टू, मुझे तो डर लग रहा है, देखो ना आर्मी ऑफिसर्स कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दूर से ही चिंकी ने आर्मी ऑफिसर के ट्रूप को इशारे करते हुए कहा, गट्टू, चिंकी और भूषण, जैसा कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में पास हुए हो इसलिए तुम्हें मौका मिला है। फिलहाल हम आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा देखेंगे। गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ट्रूप से कुछ ही दूरी पर रखे कुर्सियों पर बैठ गए। आर्मी ऑफिसर अपने ट्रूप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर छड़ी लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। कुछ ही देर में आर्मी ऑफिसर ने ट्रूप की ट्रेनिंग रोकी। टीचर गट्टू, चिंकी और भूषण को आर्मी ऑफिसर से मिलवाने के लिए अपने साथ ले आए। हेलो मेजर, ये हमारे स्कूल के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पास किया है और सभी आपसे मिलने के लिए काफी उत्सुक है। टीचर ने आर्मी ऑफिसर से बात शुरू की। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगी? गट्टू चिंकी आर्मी ऑफिसर की कड़ी आवाज से लगभग डर ही गए। जी सर जी, हमने ट्रेनिंग देखी। यस सर, हमें ट्रेनिंग काफी सख्त भी लगी। बच्चों, इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है, ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है, लेकिन तुम जैसे बच्चों के लिए काफी नरम दिल, इसलिए बेफिक्र होकर इनसे बात करो। सही कहा सर आपने। कुछ ही देर में टीचर वहां से चले गए। अब गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ऑफिसर को घेर कर खड़े हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी सख्त क्यों होती है? हाँ सर, हमने अभी अभी देखा किस तरह से आप छड़ी लेकर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बेटा, हम लोग देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए सख्त ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि दुश्मनों का अचानक हमला होने पर भी हम डगमगाए नहीं बल्कि डट कर खड़े रहे। सर, आपके हाथों में जो बंदूक है, क्या वो मैं भी चला सकता हूँ? अरे गट्टू, ये कोई खिलौने वाली बंदूक नहीं होती, असली होती है। सही कहा चिंकी, इसे राइफल कहते हैं। राइफल के कई प्रकार होते हैं जिसे सीखने के लिए कई दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर इस राइफल पर हाथ साफ रहता है। ओ अच्छा, ये राइफल काफी भारी होगी ना सर? हाँ, ये काफी भारी है। तभी टीचर वहाँ आए। गट्टू, चिंकी और भूषण, चलो हम आर्मी ऑफिसर के साथ खाना खाएंगे। यस गट्टू, चिंकी और भूषण, तुम चलो, मैं अपने ट्रूप को इंस्ट्रक्शन देकर आता हूँ। गट्टू, चिंकी और भूषण टीचर के साथ चलने लगे, लेकिन तभी गट्टू वहीं रुक गया और आर्मी ऑफिसर के पीछे चलने लगा। गट्टू, तुम्हें नहीं जाना?
सर मुझे आपके साथ रुकने दीजिए ना, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहूंगा, प्लीज सर प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। परेड विश्राम, परेड सावधान। आर्मी ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आर्मी ट्रूप ने उसी तरह से एक्शंस किए, साथ ही साथ गट्टू भी आर्मी ऑफिसर को फॉलो करते हुए उसी तरह से एक्शंस करने लगा। आर्मी ऑफिसर एकदम स्ट्रेट खड़े थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नजर नीचे करके गट्टू की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। परेड दाएं मुड़। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर का ड्रिल शुरू हुआ। गट्टू शांति से खड़ा रहकर देखने लगा। पहले इंस्ट्रक्शंस गट्टू ने अच्छी तरह से समझ ली और उसने पूरे ट्रूप को ध्यान से अब्सॉर्ब किया। उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन पर गट्टू भी अच्छी तरह से ड्रिल करने लगा। आर्मी ऑफिसर गट्टू को देखकर खुश हो गए। जल्द ही आर्मी ग्रुप की ड्रिलिंग खत्म हुई। कैडेट्स, ये है गट्टू। सभी को फॉलो करके गट्टू ने हर एक्शन सही तरीके से किया है। आर्मी ट्रूप ने गट्टू को देखकर मुस्कान दी। गट्टू बेटा, तुमने तो काफी अच्छी तरह से सारे एक्शंस किए, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर, मैंने आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा है, और सिर्फ लाल किले के राजपथ पर। आज जब मैं सबको अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आर्मी ऑफिसर ने गट्टू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेरी गुड गट्टू, देश के लिए बच्चों में आर्मी को लेकर ऐसी भावना होना, ये हमें और भी ज्यादा स्फूर्ति देता है। मेरे साथ साथ बाकी सभी कैडेट्स भी तुम्हें देखकर खुश है बेटा। बहुत बड़े इंसान बनना, चाहे तुम आर्मी ऑफिसर बनो या ना बनो, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा कार्यरत रहना। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। गट्टू के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई। हैलोवीन फैंसी ड्रेस। गट्टू चिंकी और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। ओह, मैं तो थक गई दोस्तों, चलो अब एक ब्रेक लेते हैं ना। क्या गुड्डी, इतनी जल्दी थक गई तुम? चलो अच्छा आओ, थोड़ी देर सब लोग साथ में बैठते हैं। फिर सारे बच्चे साथ में ग्राउंड पे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों, हैलोवीन आ रहा है, कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? क्या करेंगे हम, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ओह, अच्छा याद दिलाया तुमने हरी, हम सबको मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा सोचना चाहिए। फिर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैलोवीन पे क्या करना है। एक काम करते हैं ना, हॉरर मूवी नाइट प्लान करते हैं। अरे नहीं नहीं बंटी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे। तो फिर कहीं बाहर चले क्या हैलोवीन पार्टी करने? अरे हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे गुड्डी, और हैलोवीन पे कहाँ किसी के पेरेंट्स को छुट्टी मिलेगी, कुछ और सोचते हैं ना। ओ ये कैसा रहेगा, हैलोवीन फैंसी ड्रेस। वाह, देखा है ना मस्त आइडिया। हम कॉलोनी में एक फैंसी ड्रेस रखते हैं, पर स्पेशल बात ये होगी कि सब बड़े भी इसका पार्ट बनेंगे। ओ, पर क्या सारे बड़े लोग मानेंगे? हाँ चलो अभी चल के हम सब अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सब बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेंगे और बड़े ब्लैक कलर का आउटफिट ही पहनेंगे। ओके ओके। फिर सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ गट्टू, मैं यहाँ हूँ बालकनी में, बताओ क्या हुआ? मम्मी, हैलोवीन आ रहा है और इस बार हम सब बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमें फैंसी ड्रेस पार्टी रखनी है। ओ, तो ये तो अच्छा आइडिया है, गुड। हाँ मम्मी, हम चाहते हैं कि सारे बड़े लोग भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा बने और साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट करें। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है, बस तुम लोग पार्टी शाम को रखना ताकि सब लोग फ्री रहे, है ना? मम्मी, हमने सोचा है कि सारे बड़े लोग एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहननी होगी, कैसा रहेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पता नहीं सबके पास ब्लैक ड्रेसेस हो या ना हो। अरे मम्मी, हम पहले एटलीस्ट ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बस शाम को एक बार पापा से भी बात कर लेना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसके किसके पेरेंट्स मान गए हैं, और लगभग सारे लोग मान गए थे। ये सभी लोग पार्टी के लिए मान गए हैं, पर हमें पार्टी स्नैक्स और म्यूजिक की भी अरेंजमेंट करनी होगी। गट्टू, तुम्हारी पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूंगी, और सेक्रेटरी अंकल के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, तो म्यूजिक के लिए तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है?
ओह, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लोग हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गट्टू चिंकी गुड्डी बंटी मिलकर मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स एक एक करके पार्टी में लाते हैं। सेक्रेटरी अंकल अपने घर से स्पीकर्स ले आए थे। सारे बच्चे हैलोवीन के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स में थे। चिंकी एक छोटी सी विच बनी हुई थी और गट्टू एक पम्पकिन। गुड्डी भी विच बनी थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। हरी ने स्केल्टन वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बंटी के पास एक झाड़ू था जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स थी। सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गट्टू, तुम्हारा आउटफिट तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। लेकिन चिंकी तुमसे कम। सारे बड़े लोगों ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वाओ, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना, यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चों ने मिलकर किया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा ये तो कि डेकोरेशन सच में कमाल का हुआ है। देखा मम्मी पापा, हम बच्चों का कमाल। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। फिर गट्टू और चिंकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे डेविल हॉर्न हेडबैंड्स थे जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। अरे ये क्या है बच्चों? पापा, इसी से तो हैलोवीन पार्टी का असली फील आएगा। ये हेयरबैंड्स लगा के हम सब एक जैसे लगेंगे और फिर खूब डांस करेंगे। वाह बच्चों, ये हेयरबैंड्स तो सच में बहुत मजेदार चीज ला रहे हैं। फिर सारे बच्चे हेयरबैंड को सब बड़ों में बांट देते हैं और सब लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी थे। आओ बच्चों, मैंने स्पीकर सेट कर दिए हैं, चलो सब मिलकर डांस करते हैं। खूब म्यूजिक बजता है, सारे लोग मजे से डांस करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार डांस होता है। ओह, मैं तो थक गया पर मजा आ गया। हाँ, सब ने क्या मजेदार डांस किया। चलिए अब सब लोग कुछ स्नैक्स खा लीजिए। आइए मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मम्मी के बनाए स्नैक्स देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मम्मी ने बहुत क्यूट क्यूट हैलोवीन इंस्पायर्ड स्नैक्स बनाए थे। ओ वाओ मम्मी, ये स्नैक्स तो काफी अलग है, ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया आपने। हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि सारी पार्टी हैलोवीन की थीम पे बेस्ड है तो क्यों ना स्नैक्स भी उसी के हिसाब से बने। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यम्मी है। हाँ मम्मी, मजा आ गया, कितना डिफरेंट टेस्ट है इनका। ओ थैंक यू बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। सारे बच्चे और बड़े मम्मी के स्नैक्स की खूब तारीफ करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब पार्टी का फाइनल पार्ट आ गया है। सब बच्चे पापा को सरप्राइज होके देख रहे थे क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन सा पार्ट पापा? हाँ पापा, हमने तो और कुछ प्लान नहीं किया है। अरे पर मैंने तो किया है ना बच्चों। तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी प्लानिंग्स करी, तो एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं भी दे सकता हूँ ना। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर पापा जाते हैं और एक बड़ा सा पंकिन शेप केक लेकर आते हैं जिस पर हैप्पी हैलोवीन लिखा हुआ था। वाओ पापा, इतना बड़ा केक। हाँ बच्चों, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सारे बच्चे केक देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब केक काटकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। मजा आ गया, ये अब तक का सबसे बेस्ट हैलोवीन था। हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह गट्टू चिंकी की हैलोवीन पार्टी हंसते खेलते और खाते हुए खत्म होती है। दिवाली की तैयारी। हमारे देश में इतने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे परिवार और समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली का। और जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिवाली में सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए हैं, हम दिवाली की शॉपिंग करने कब जाएंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी साथ में जाना है दिवाली की शॉपिंग करने। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी है ऑफिस में, तो कल ही हम सब मार्केट चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी ने उनसे भी दिवाली की शॉपिंग को लेकर डिस्कशन की। डिनर टेबल पे गट्टू कहता है, पापा मैंने तो कुछ नए बल्ब्स देखे हैं जिनकी लाइट का कलर चेंज होता रहता है। मैंने इस बार दिवाली में वैसे ही बल्ब्स लेने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा,
हम कल ही मार्केट से दिवाली की सारी चीजें ले आएंगे। मम्मी और चिंकी यह सुनकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही गट्टू और चिंकी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर पापा और मम्मी को भी मजा आ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद पापा ने गैराज से कार निकाली और सभी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट की ओर निकल पड़े। दिवाली अब केवल एक हफ्ते दूर थी, इसीलिए पूरे बाजार में काफी चहल पहल थी। हर कोई अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए और त्योहार की अन्य कई चीजों को खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। सबसे पहले हम दिए और लाइटिंग की सारी चीजें ले लेते हैं। पापा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी के दिए दिवाली के लिए शुभ होते हैं और पूजा के लिए तो ये ट्रेडिशनल दिए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, पहले हम थोड़े से ये मिट्टी के दिए ले लेते हैं, उसके बाद गट्टू के पसंद की इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाली लड़ियाँ ले लेंगे और पूरे घर को उसी से सजाएंगे। और रंगोली का कलर्स? अरे वो भी ले लेंगे, चलो पहले ये दिए ले लेते हैं। पापा मम्मी गट्टू और चिंकी एक छोटे से शॉप पर आ जाते हैं जहाँ मिट्टी के दिए बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। आइए बाबूजी, हमारे पास हर साइज के मिट्टी के दिए हैं, ये देखिए। पापा और मम्मी दिए सिलेक्ट करने लगे। बहुत मेहनत से गांव में हम खुद ये दिए बनाते हैं, लेकिन आजकल बिजली के बल्ब वाली लड़ियों का फैशन है, इसलिए अब पहले की तरह कमाई नहीं हो पाती। ये सुनकर गट्टू और चिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें उस दुकानदार की फेस पे काफी सैडनेस नजर आती है। ऐसे ओल्ड एज में इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बुजुर्ग की उदास शक्ल देखकर गट्टू ने पापा से कहा, पापा मैं सोच रहा था कि बिजली वाली लड़ियों की जगह हम ये मिट्टी के दिए ही ले लेते हैं। पापा और मम्मी मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, हम दोनों ही तरह की लाइट्स आधी आधी ले लेते हैं, घर की दहलीज, रंगोली, पूजा रूम और घर के हर कोने में हम ये मिट्टी के दिए ही जलाएंगे और बाकी जगह पर वो बल्ब वाली लड़ियां लटका देंगे। पापा और मम्मी ने बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे और इससे दुकानदार का चेहरा खिल उठा। उस बुजुर्ग दुकानदार की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी बिजली के बल्ब वाली लड़ियां खरीदने एक दूसरे शॉप में जाते हैं। गट्टू ने शॉपकीपर से वो वाली लड़ियां निकलवाई जिसके बल्ब्स का कलर चेंज होता रहता था। शॉपकीपर ने वो वाली लड़ी को जलाकर उनको दिखाया। अरे वाह, इसके बल्ब से पहले येलो लाइट निकल रही थी और अब ग्रीन लाइट। हाँ, है ना कमाल चिंकी, ये तो बहुत ही सुंदर है, हम ऐसे ही लड़ियाँ ले लेते हैं। शॉपकीपर ने अच्छे से वो लड़ियाँ पैक कर दी और पापा ने उनको पेमेंट कर दिया। अब क्या लेना है बच्चों? रंगोली के कलर्स। हाँ, अब हम रंगोली के कलर्स लेंगे। अब पूरी फैमिली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ उन्होंने रंगोली के कलर्स भी लिए और बहुत सारे अन्य घरेलू सामान भी। फिर पापा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता हम एक सामान भूल रहे हैं? कौन सा सामान पापा? चिंकी और मम्मी भी सरप्राइज होकर पापा की तरफ देखने लगी। अरे दिवाली के पटाखे नहीं लेने हैं क्या? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंकी कहती है, नहीं पापा, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और हमने ऑलरेडी इतने सारे दिए और बल्ब वाली लड़ियां भी ले ली है, लेकिन एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन करने वाले पटाखे हमें नहीं चाहिए। हाँ पापा, चिंकी सही कह रही है, पटाखे जलाने से न सिर्फ हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिक धुआं छोड़ते हैं बल्कि जोर के धमाकों से साउंड पोल्यूशन भी होता है। कितने सारे बेचारे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी इन धमाकों से डर जाते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर मम्मी और पापा बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मार्केट से वापस आकर गट्टू और चिंकी ने सारा सामान कार से निकाल कर कबर्ड्स में अच्छे से रखा। उसके बाद ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है मम्मी? अब हमें पूरे घर की सफाई करनी होगी, दिवाली सिर्फ एक वीक दूर है। आप एकदम निश्चिंत रहो मम्मी, गट्टू और मैं मिलकर अगले दो ही दिनों में घर का कोना कोना साफ कर देंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज में गट्टू और चिंकी ने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरे घर की बहुत ही अच्छी सफाई की। काफी पुरानी चीजें
जिनका अब कोई काम नहीं था, उनको एक जगह जमा किया। फिर गट्टू ने बाहर जाके कबाड़ी वाले को बुला लिया और सारा फालतू सामान उनको दे दिया। और अब इस घर को अच्छे से सजाने की बारी थी। दिवाली की सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने कहा, गट्टू बेटा, मिट्टी के दिए तो हम दिवाली के दिन ही सब जगह रखेंगे, लेकिन तुम अपने बिजली वाले बल्ब की लड़ियां हर जगह लटका दो। ठीक है मम्मी। और मैं इस बार एक बड़ी सी रंगोली बनाऊंगी एक नए डिजाइन में। मैंने इंटरनेट पे एक नई रेसिपी देखी थी नारियल के लड्डू बनाने की। इस बार दिवाली पर मैं वो लड्डू सबके लिए बनाना चाहता हूँ। गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने पहले गट्टू को लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में हेल्प की। फिर गट्टू बाहर शॉप से वो सभी चीजें ले आया। दूसरी ओर चिंकी ने कंप्यूटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट ले आया। दिवाली से दो दिन पहले गट्टू किचन में पूरे ध्यान से नारियल का लड्डू तैयार करने लगता है। वो बार बार रेसिपी की वीडियो देखकर सारे स्टेप समझा और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा। बीच में मम्मी किचन में आती है गट्टू की हेल्प करने। मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं नहीं मम्मी, मैं ये सब खुद ही करना चाहता हूँ, तभी तो सीखूंगा। मम्मी फिर चिंकी के पास जाती है जो अभी पूरे फोकस के साथ रंगोली को फाइनल टच दे रही थी। मैं वो लास्ट वाली फ्लावर पेटल्स में रंग भर दूं? नहीं मम्मी, इस बार मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाना चाहती हूँ। अंदर गट्टू के लड्डू तैयार हो गए थे और जब तक चिंकी अपनी रंगोली तैयार करती, तब तक गट्टू ने पूरे घर के कॉर्नर्स में मिट्टी के दिए रख दिए और कलर चेंज करने वाली बल्ब्स की लड़ियों से भी पूरे घर को सजा दिया। शाम में जब पापा वापस घर आते हैं तो दिवाली की तैयारी में हुई रोशनी और सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शाबाश गट्टू और चिंकी, घर को तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए सजाया है। गट्टू और चिंकी मुस्कुराते हैं। वही मम्मी ने पापा को रंगोली की तरफ इशारा किया। और चिंकी, ये रंगोली तो बहुत ही अमेजिंग है, इतना डिफिकल्ट डिजाइन तुमने अकेले ही बना दिया। पापा की तारीफ सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। तब तक मम्मी एक प्लेट में थोड़े लड्डू लेकर पापा को खाने देती है। ये स्पेशल लड्डू गट्टू ने बनाए हैं। पापा ने लड्डू खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। उन्होंने एक और लड्डू मुंह में डाला और फिर बोला, अरे वाह गट्टू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी है। गट्टू और चिंकी दोनों पापा की तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं दिवाली को जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पापा, मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था, तभी मम्मी वहां आती है। अरे गट्टू, आज तुम जल्दी उठ गए, और ये चिंकी अभी तक सो रही है, भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया, चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तो फिर अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी, गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी? जरा ठीक से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे चैनल चेंज कर करके, पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला आराम बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या, तुम्हारा अलार्म नहीं बजा उसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट गट्टू, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है, मम्मी इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है।
अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी, पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू जिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे। चिंकी, क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी। टीका? पर मम्मी, टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना, मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी, वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी, किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। ओफ, लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी, मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो, कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी, पर ये गट्टू कहाँ है। मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे, फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। है ये क्या कह रही हो चिंकी, गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी, ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना, ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहाँ दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था, जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवा कर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं। तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी गट्टू कहाँ है। चिंकी, गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है, सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को ये सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू आओ, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी। गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना। हाँ गट्टू, आज तो भाई बहन का दिन होता है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब आओ इससे पहले और देर हो मैं तुम्हें टीका लगा दूं। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू। इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू। ये तुम्हारा गिफ्ट, मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट, इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा क्या है इसमें, वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोल कर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी, और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। स्कूल बस। सुबह का टाइम है, मम्मी हमेशा की तरह गट्टू और चिंकी का टिफिन तैयार करके आवाज लगाती है। गट्टू चिंकी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार हो गया। मम्मी ये शूलेस नहीं बांध पा रही, उल्टा बन गया। हे भगवान, अब तक तुमने शूलेस नहीं पहने, अब लेट हो जाओगी, स्कूल बस आती ही होगी रोज की तरह। मम्मी मेरी भी टाई नहीं मिल रही।
बस इसीलिए मैं कहती हूँ सब सामान अच्छे से रात को ही चेक करके रखो। अब अगर टाई नहीं मिली तो पिछली बार की तरह क्लास टीचर सजा देगी, फिर तुम रोओगे। ऊपर से ये बस भी किसी भी टाइम आती ही होगी। ये लो चिंकी, तुम्हारे लेस बन गए। मम्मी मेरी टाई। रुको, कल धोबी के वहाँ से जो कपड़े आए थे वो देख रही हूँ। तभी दरवाजे पर एकदम तेज आवाज आती है बस हॉकिंग की। अरे अब तक सब तैयार नहीं हुए, बस आ गई। चिंकी इधर आओ, गले में पानी की बोतल तो टांग लो वरना कल की तरह भूल जाओगी। बस ड्राइवर और तेजी से हौंक रहा होता है। तभी मम्मी अंदर से टाई निकाल लेती है और एकदम फटाफट गट्टू को पहना रही होती है। अरे बाबा बस गले में डाल दो टाई, गट्टू रास्ते में ठीक कर लेना, अभी भागो। बस ने दो बार हौंक दे दिया है, अगर निकल गई तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा उसको छोड़ने। पापा और मम्मी दोनों गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़कर मेन गेट की तरफ भागते हैं। अरे जल्दी आइए, लेट हो रहे हैं, अभी भी 30 और बच्चों को पिक करना है अलग अलग लोकेशन से। आप बस के आने से पहले यहाँ गेट तक आ जाया कीजिए। सॉरी आगे से हम लोग जल्दी आ जाएंगे, आज के लिए थैंक यू। मम्मी गट्टू चिंकी की तरफ देखते हुए कहती है। देखा तुम दोनों ने, इसीलिए रोज कहती रहती हूँ टाइम पर सो जाओ और उठ जाओ, लेकिन तुम दोनों मेरी सुनते तक नहीं। अरे बाबा अब शाम को डांट लेना उनको, अभी बस में बैठ जाने दो। दोनों बच्चे भागे भागे बस के गेट पर पहुँचते हैं। कंडक्टर उनको एक एक करके ऊपर चढ़ा देता है। बस के अंदर सब बच्चे गट्टू चिंकी को देखते ही जोर से हाईफाई करते हैं और गट्टू चिंकी भी हाईफाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सुधा थोड़ा आगे खिसको ना, मेरी सीट पर बैठ गई हो तुम। नहीं खिसकूंगी, ये मेरी सीट है। देखो कंडक्टर भैया ये क्या हो रहा है। अरे सुधा तुम्हारी सीट उधर है, ये नहीं, कल बताया तो था। अच्छा तुम बैठो, एक काम करते हैं तुम यहीं बैठ जाओ, हम चॉकलेट खा लेते हैं साथ में। अरे चिंकी मेरी टाई ठीक कर दो ना तुम पहले। चिंकी गट्टू की टाई ठीक कर देती है। सुधा ये देख कर हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो, गट्टू इतना बड़ा हो गया इसको अब तक टाई बांधनी भी नहीं आई। तेरे को क्या, चिंकी मेरी बहन है, वो मेरे बाकी काम भी करती है। सुधा गट्टू को छेड़ने लगती है। गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती, गट्टू को टाई बांधनी नहीं आती। गट्टू मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तभी अगला स्टैंड आ जाता है और गट्टू का बेस्ट फ्रेंड बंटी और चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी बस पर चढ़ते हैं। दोनों दौड़े दौड़े गट्टू चिंकी को हग करते हैं। गुड्डी मैं बस चॉकलेट के टुकड़े ही करने वाली थी, अब हम पांच जने मिलकर खाएंगे। वाओ पता है मम्मी ने सबके लिए सैंडविच भेजा है। वाओ इसमें चीज भी है क्या? नहीं उसमें फैट होता है, मम्मी ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। रुको अभी सबको देती हूँ। मेरे को दो पीस खाने हैं गुड्डी, कल भी तुमने एक ही पीस दिया था। अरे रुको बाबा, मम्मी ने पूरा बड़ा सैंडविच अलग से भेजा है आज सबके लिए। चिंकी खुशी से उछलने लगती है। वाओ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गुड्डी, थैंक यू आंटी। फिर गुड्डी सबको सैंडविच बांटती है और चिंकी चॉकलेट पीस, सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं। बंटी हम सब वर्ड पजल खेले क्या, तुम क्या बोलती हो गुड्डी और चिंकी? अभी आधा घंटा बाकी है स्कूल की बिल्डिंग आने में। अरे अंताक्षरी खेलते हैं ना। नहीं नहीं मम्मी कहती है वर्ड पजल खेलने से मेमोरी भी शार्प होती है। गट्टू वर्ड पजल ही खेलते हैं लेकिन आज अलग से। अलग तरह से कैसे? एक जना चुपचाप खड़ा होकर हिंट देगा, बाकी लोग उसका वन वर्ड बताएंगे। वाओ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक काम करते हैं शुरुआत तुमसे ही करते हैं ताकि बाकी लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लें। तभी बस का ब्रेक थोड़ी तेजी से लगता है और बंटी के हाथ से सैंडविच गिर जाता है, वो एकदम से उदास हो जाता है। अरे ये तो गिर गया, अब तो इस पर मिट्टी भी लग गई होगी, मम्मी ने नीचे गिरी हुई चीज को उठाकर खाने से मना किया है, मेरे को इतनी तेज भूख लगी थी। उसका उतरा हुआ मुंह गुड्डी गट्टू और चिंकी देख नहीं पाते। एक काम करते हैं हम सब अपने सैंडविच में से एक टुकड़ा बंटी के साथ शेयर करेंगे जिससे उसको भी सैंडविच खाने को मिल जाएगा। अरे नहीं तुम लोग खा लो। लेकिन तब तक सभी एक एक पीस बंटी को दे चुके होते हैं। अरे ये क्या कर रही हो, बीट रूट तो सबको खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है मम्मी कहती है ना चिंकी। और हाँ
इसको और गाजर को खाने से गाल भी एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। मम्मी ने ये भी कहा है कि सर्दी में तो रोज ही खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है वो, प्रॉमिस करो आज के बाद कभी नहीं फेंकोगी। ओके बाबा प्रॉमिस, चिंकी पिंकी प्रॉमिस, नहीं नहीं चिंकी प्रॉमिस। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चिंकी अब तुम वर्ड पजल तो बताओ, थोड़ी देर में स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे हमको खेलने को। कंडक्टर भैया ये सब देख रहे होते हैं, वो मन ही मन बच्चों की एक्टिवनेस देख कर खुश हो रहे होते हैं। चिंकी अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, कर देती है जो गालों को लाल, कहते हैं सब सब्जी लेकिन है वो फल, बताओ बताओ क्या नाम है? अरे बीट रूट। गलत। अरे कितना कठिन सवाल है ये। तभी गुड्डी एकदम से बोलती है, टमाटर, क्योंकि वो फल है। एकदम सही, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम गुड्डी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सब खुश हो जाते हैं। तभी स्कूल आ जाती है, बस कंडक्टर बच्चों से कहते हैं, बच्चे भागेंगे नहीं, मैं सबको एक एक करके उतरवा दूंगा, बस चुपचाप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और सब बच्चे बस में खड़े हो जाते हैं और कंडक्टर भैया हाथ से एक एक करके सबको नीचे उतारते हैं। बाय बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना दिन भर, और छुट्टी के टाइम यहीं पर वापस मिलना। बाय बाय भैया। पहली हेलीकॉप्टर यात्रा। गट्टू सोसाइटी में बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा होता है, लेकिन बंटी साइड में बैठकर यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर बनाना सीख रहा होता है। अरे ये क्या कर रहे हो बंटी, क्या बना रहे हो? मैं यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर बनाना सीख रहा हूँ गट्टू। अरे वाह, लेकिन क्यों? मैं इस पर बैठकर उड़ूंगा, पापा कह रहे थे केदारनाथ के लिए भी हेलीकॉप्टर जाता है, तो मैं इस पर बिठाकर अपनी दादी को केदारनाथ घुमाकर लाऊंगा। वो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है बाबा, असली वाला, इस पर दादी कैसे बैठेंगी? तुम समझ नहीं रहे गट्टू, मैं बनाना सीख रहा हूँ, इसको बनाने के बाद में इंजन वाला हेलीकॉप्टर भी बना लूंगा। अच्छा। तभी दौड़ी दौड़ी चिंकी आती है गट्टू को बुलाने के लिए। गट्टू गट्टू, मम्मी ने डिनर बना लिया है, बुला रही है तुमको। ठीक है चिंकी, मैं आता हूँ। बंटी बाय, अब डिनर का टाइम हो गया है, कल खेलेंगे। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आज डिनर में गट्टू का फेवरेट मटर पुलाव बना होता है। मम्मी थैंक यू, इतना टेस्टी बना है पुलाव, मजा आ गया। हाँ बहुत ही टेस्टी बना है पुलाव तो, सच में मजा आ गया। पापा आपको पता है, बंटी हेलीकॉप्टर बना रहा है अपनी दादी के लिए। वो कह रहा था जब उसका हेलीकॉप्टर बनकर रेडी हो जाएगा, वो उस पर अपनी दादी को बिठा कर घुमाएगा। ये सुनकर पापा मम्मी हंसने लगते हैं। बंटी कैसे हेलीकॉप्टर बनाएगा बेटा, वो इंजीनियर थोड़ी है। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया एरोनॉटिकल इंजीनियर लगते हैं, जो इस विषय में महारत हासिल किए होते हैं, इसकी विशेष डिग्री होती है उनके पास। एरोनॉटिकल इंजीनियर? हाँ बेटा, हमारी इंडियन एयरफोर्स में विशिष्ट भर्ती होती है इनकी। पापा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल अलग होते हैं बेटा। हवाई जहाज यात्री विमान अधिक होता है, उसको सब यात्रियों के लिए काम लिया जाता है, वही हेलीकॉप्टर में केवल गिनती के लोग बैठ जाते हैं। आर्मी वाले हेलीकॉप्टर बड़े होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए विशिष्ट हेलीपैड या फिर एयरपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा। तो फिर ये उतरते कैसे हैं पापा? बेटा ये कहीं भी उतारे जा सकते हैं, थोड़ी सी समतल भूमि पर भी। इसलिए देश में जब कहीं बाढ़ आती है या इमरजेंसी में या फिर विषम परिस्थिति में भी ये कहीं उतारे जा सकते हैं। इसलिए अधिकांश वीआईपी लोग विशिष्ट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सैन्य प्रमुख। अरे वाह, इतने काम का होता है हेलीकॉप्टर। पापा हम तो हवाई जहाज में बैठे थे ना अभी, जब स्नोफॉल देखने गए थे। हाँ लेकिन आप दोनों को मैं बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर भी दिखा लाऊंगा, आर्मी की ट्रेनिंग कैंप पब्लिक के लिए अगले हफ्ते यहाँ लगने वाली है, मैं वहाँ आपको ले चलूंगा। वाओ, फिर हम भी हवाई जहाज में बैठेंगे। हाँ हाँ आप दोनों रेडी हो जाना। अगले हफ्ते आर्मी की ट्रेनिंग कैंप लग जाती है, सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ आर्मी की यूनिफॉर्म पहने जवान खड़े होते हैं, तरह तरह के तोपे भी लगी होती है।
वो देखो बेटा, ये तोपे हैं, इसको लड़ाई के लिए काम में लेते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर किधर है पापा, मुझे उसको अंदर से देखना है। वो देखो एकदम सामने वहाँ पर खड़ा है। दोनों बच्चे हेलीकॉप्टर देखकर खुशी के मारे उछलने लगते हैं। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। अरे बाबा रुको रुको, अभी वहाँ चलना है, उसको पास से तो देख लो। सभी हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं और गट्टू चिंकी भी लाइन में लग जाते हैं। अभी हम एक राइड करवाएंगे पूरे ग्राउंड की, आप सभी बैठेंगे? हाँ हाँ ठीक है, आप टिकट ले लो। पापा टिकट ले आते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। अरे अंदर से कितना बड़ा है ये, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं पापा? ये 8 सीटर है बेटा, कुल मिलाकर 8 जन ही बैठ पाते हैं। ड्राइवर और उसका असिस्टेंट आगे बैठते हैं। इसमें तो एयर होस्टेस भी नहीं है पापा। ये यात्री विमान नहीं है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। तभी एक जवान आवाज लगाता है, आप सभी अपने सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले, हम अब ऊपर उठेंगे। और सभी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है, उसकी आवाज बहुत तेज होती है, ऊपर पंखे घूमने लगते हैं। अरे इसके पंखे कितने बड़े हैं पापा, कितनी मिट्टी उड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे थोड़ी देर में ऊपर उठते ही सब दिखने लगेगा। हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई में उड़ने लगता है और गट्टू चिंकी नीचे देखते हैं। अरे सब कितना छोटा दिख रहा है पापा, वो देखो सब तोपे, सब लोग एकदम छोटे छोटे, पूरा ग्राउंड ही इतना छोटा दिख रहा है। वाव, सब लोग भी एकदम चींटी जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि सब अपने असली साइज से थोड़े कम दिखेंगे। लेकिन इसमें इतनी कम सीट क्यों है पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसकी उड़ान में भी मजा आता है। हाँ क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़ता है, हवाई जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई उड़ने के लिए इसको विशिष्ट तौर पर बनाया जाता है। इसका तापमान अंदर से मेंटेन भी किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी, जबकि हेलीकॉप्टर में आप दरवाजा खुला रखकर भी घूम सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। वो देखो वो पॉन्ड भी दिख रहा है जिसमें हम फिशिंग करने गए थे, वो तो इतना दूर था घर से, लेकिन यहाँ से दिख रहा है। हाँ हाँ हाइट से सब दिखने लगता है, कितना सुंदर लग रहा है ना। चिंकी वो देखो तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है। अरे हाँ गट्टू गट्टू नीचे देखो, अपना स्कूल दिख रहा है। दोनों जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। आर्मी वाले लोग भी उनको देखकर खुश होते हैं। अब हमारी ट्रायल राइड खत्म होगी, अब हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। अगर आप में से किसी को हाइट से डर लगता है तो आंखें बंद कर लेना। चिंकी तुम आंखों को बंद कर लेना, तुम डरपोक हो। नहीं डरती मैं, ऐसे मत बोलो, देखो मम्मी मुझे छेड़ रहा है। गट्टू ऐसे नहीं बोलते बेटा, चिंकी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तभी हेलीकॉप्टर तेज आवाज करते हुए नीचे उतरने लगता है और चिंकी एकदम तेज आवाज में चिल्लाती है। मैंने बोला था ना। बाकी सब भी हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। गट्टू चिंकी के सीट बेल्ट मम्मी खोल देती है। आर्मी पर्सन दोनों के साथ हैंडशेक करके बोलता है, जय हिंद। जय हिंद। क्या हम आपके साथ फोटो खींच सकते हैं अंकल, मैं सब फ्रेंड्स को बताऊंगी, अंकल के साथ हेलीकॉप्टर पर गई थी, अंकल कितने ब्रेव है। ओके ओके लेते हैं फोटो। फिर पापा मम्मी गट्टू और चिंकी आर्मी वाले के साथ फोटो खींचते हैं और हेलीकॉप्टर राइड की मधुर स्मृतियां लेकर घर लौट जाते हैं। स्कूल का पीटी पीरियड। सुबह का वक्त बच्चों के लिए सेहतमंद होता है और जब स्कूल में आनंददायी प्रार्थना गाते हैं तब वो और भी ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना गा रहे थे। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। प्रार्थना के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक एक कर सभी बच्चे आज का परिपाठ देने लगे। आज शनिवार है, आज का सुविचार स्वास्थ्य ही संपत्ति है। गट्टू के बाद चिंकी अपना परिपाठ देने गई। आज का सुविचार आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का परिपाठ खत्म हुआ। बच्चों गट्टू और चिंकी ने आज जो सुविचार हमें सुनाया है उससे लेकर मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है
हमारे पीटी टीचर के ट्रांसफर की वजह से एक महीने से पीटी पीरियड नहीं हो रहा है, और अब मुझे बताने में खुशी हो रही है हमारे स्कूल में नए पीटी टीचर आए हैं। स्कूल के नए पीटी टीचर सबके सामने आकर खड़े हुए। पीटी टीचर को सामने खड़ा देख बच्चों के मुंह बिगड़ गए, क्योंकि स्कूल में किसी को पीटी पीरियड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बच्चों, जैसा कि गट्टू और चिंकी ने अपने सुविचार में कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्कूल में हर शनिवार परिपाठ के बाद पीटी पीरियड लिया जाएगा, और आज पीटी पीरियड होगा। नए पीटी टीचर बच्चों के उतरे हुए चेहरे को नोटिस कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नए पीटी टीचर तुमसे कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। आरोग्यम धन संपदा, ये मंत्र हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें खासकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको पीटी कराऊंगा, मुझे यकीन है कि आप सभी इंजॉय करेंगे। सभी बच्चे कुछ ही देर में पीटी यूनिफॉर्म में ग्राउंड पर आकर जमा हो गए। अरे बाप रे, आज पीटी पीरियड है, पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये सर भी काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सही कहा गट्टू, ये सर स्ट्रिक्ट लग रहे नहीं, स्ट्रिक्ट ही है। देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे, मुझे तो पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ आज का पीटी पीरियड बहुत थकान भरा होने वाला है, कितना अच्छा था जब पीटी टीचर ही नहीं थे। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज सर दर्द का बहाना कर लूंगा ताकि मुझे धूप में खड़े रहकर पीटी ना करनी पड़े। गट्टू ऐसा मत करो, सभी थोड़ी ना सर दर्द का बहाना कर सकते हैं। पीटी टीचर के ग्राउंड पर आते ही बच्चों में बातचीत बंद हो गई। ठीक है बच्चों, हम हमारा पीटी पीरियड शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। आज पहला दिन है तो मैं तुम सबको खुद करके दिखाऊंगा। पीटी टीचर अपने साथ एक ट्रेनर को लेकर आए थे जो ड्रम बजाकर इंस्ट्रक्ट कर सके। सावधान, और सभी बच्चे सावधान होकर खड़े हो गए। विश्राम, और सभी बच्चे विश्राम होकर खड़े हो गए। सावधान। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ट्रेनर ने ड्रम बजाना शुरू किया। टीचर ने पीटी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया। ड्रम के बीट पर पीटी टीचर एक एक कसरत करने लगे। हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। पीटी का एक राउंड कंप्लीट होने पर पीटी टीचर ने ट्रेनर को ड्रम रोकने के लिए कहा। अब हम पीटी की अहम कसरत करेंगे, सावधान, विश्राम, सावधान। अच्छा, तो अब सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। ड्रम बजने लगा। पीटी टीचर ने अपने दोनों हाथ हवा में किसी पंछी की तरह ऊपर नीचे किए, और ड्रम के इंस्ट्रक्ट होते ही सर ने अपने सर के ऊपर ताली बजाई। सभी शुरू करो। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ड्रम अचानक स्पीड में बजने लगा। उसी तरह बच्चे जोर से अपने हाथ हवा में उड़ाने लगे। बंटी तो बीच में रुक गया। सर के देखते ही बंटी फिर से शुरू हो गया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर जिद पर कसरत कर रहे थे। काफी देर तक पीटी कसरत चली, फिर ड्रम बंद हुआ। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। अब मैं तुम सभी को कलरफुल हर्डल्स पर कसरत कराऊंगा। हर्डल्स? वो तो बड़ी बड़ी रेसेस में यूज होता है सर। यस गट्टू, मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे फ्यूचर में बड़ी बड़ी रेसिंग में हिस्सा लें और जीते भी। इंस्ट्रक्टर ने झटपट कलरफुल हर्डल्स ग्राउंड पर रख दिए। अच्छा, तो अब सभी बच्चे इस कलरफुल हर्डल्स के सामने खड़े हो जाएं। पहले गौर से मेरी ओर देखना, ठीक है? पीटी टीचर ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब पीटी टीचर ने अपना एक पैर ऊपर उठाकर हर्डल के ऊपर से होकर जंप लगाई। ऐसे कर टीचर ने 7 हर्डल से नी जंप का रन लगाया। समझ गए बच्चों, सभी इस तरह से करेंगे। इसमें तो बड़ा मजा आएगा,
लेकिन गट्टू, तुम तो पीटी पीरियड में सरदर्द का बहाना करने वाले थे ना? अरे चिंकी प्लीज, पीटी टीचर सुन लेंगे, मुझे पूरा पीटी पीरियड अटेंड करना है। सभी हंस पड़े। एक एक कर सभी ने सर की तरह हडल्स को रन किया। वाह सर, बहुत मजा आया। यस सर, हमने नई पीटी कसरत सीखी, आपने अलग तरह की पीटी करवाई, इसीलिए हमने एंजॉय किया। मैं तो अगले सैटरडे का वेट कर रही हूँ। बच्चे थक गए लेकिन सभी ने एंजॉय किया। गुड गुड, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर, अभी और करना है। हफ्ता हुआ बंटी बोल पड़ा और सभी हंस पड़े। अरे बंटी, आज का पीरियड यहीं तक था। और हाँ, पीटी पीरियड को लेकर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम हर सैटरडे होने वाले पीरियड के लिए दो मॉनिटर चुनेंगे जो सबको सामने खड़े होकर गाइड करेंगे। क्या सर, पीटी पीरियड का मॉनिटर भी होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हर पीरियड में पीटी पीरियड का मॉनिटर रखता हूँ। और हमारे अगले पीरियड के मॉनिटर है गट्टू और चिंकी। अगले शनिवार तुम दोनों सामने खड़े रहकर बाकी सभी बच्चों को पीटी के मूवमेंट कर गाइड करोगे। लेकिन सर, क्या हम ठीक तरह से कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक से कभी पीटी किया ही नहीं है। हाँ गट्टू चिंकी, मैंने तुम दोनों को ध्यान से देखा, तुम काफी अच्छी कसरत कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों नेक्स्ट पीटी पीरियड के मॉनिटर हो। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह से गट्टू और चिंकी पीटी का असली मतलब समझ सके और उन्हें पीटी पीरियड का मॉनिटर बनाया गया। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा। मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए, लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने। गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई। उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ, कितना डर गई थी मैं, पता है? मैं नहीं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे? बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया, उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान। ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची। दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था, रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैंस का ढेर हो गया और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें, पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन, चिंकी बता रही थी, जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है,
ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुंचाना चाहता हूं या फिर किसी को डराना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूं। गट्टू समझ नहीं पाया था, लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहाँ से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया से स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाओ पापा, फुटबॉल, मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका, उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड, देखना सर, एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी, क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो, हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था, अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, दो टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे, गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा, इसकी गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। दोनों सोफे के आगे पीछे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे होते हैं। गट्टू थोड़ा तेज दौड़ता है जिस वजह से चिंकी उसको पकड़ नहीं पा रही होती है। कितना भी तेज दौड़ लो गट्टू, तुमको पकड़ ही लूंगी मैं, आखिर जाओगे कहाँ पर? नहीं पकड़ पाओगी, तुम्हारे पाँव मुझसे छोटे हैं, तुम्हारी स्पीड भी मेरे जैसी नहीं है। चिंकी भी मुंह चिढ़ाकर वापस जवाब देती है, मैं पकड़ लूंगी तुमको, तो क्या हुआ मैं धीरे धीरे दौड़ती हूँ। पापा उन दोनों को पास में बैठकर देख रहे होते हैं और उधर मम्मी रसोई में खड़ी खड़ी ये सब देखकर बोलती है, अरे धीरे धीरे दौड़ो तुम दोनों, किसी को चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे पापा ने तुम दोनों को सर पे चढ़ा दिया है, मेरी तो सुनते ही नहीं हो तुम। अरे बाबा, मेरा नाम बीच में क्यों घसीट रही हो, बच्चे हैं अभी, नहीं तो कब खेलेंगे कूदेंगे, स्कूल का होमवर्क भी कर लिया है, इतनी धमा चौकड़ी तो बनती है। ये बोलते बोलते वो गट्टू को आंख मारते हैं। चिंकी भी स्माइल कर देती है, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा, आप दोनों खेलते रहो, मम्मी डांटेंगी। अरे मैं हूँ ना। दोनों लगातार फिर से सोफे के चारों तरफ घूम ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गट्टू चिंकी देखो तो जरा दरवाजे पर कौन आया है। हाँ बेटा देखो जरा, पहले दरवाजा खोलो, इस टाइम कौन आया है। गट्टू भागकर दरवाजा खोलता है तो सामने पड़ोस की दादी मम्मी से मिलने आती है जो कि बंटी की दादी भी है। गट्टू उनको देखते ही जोर से बोलता है, हेलो दादी। कौन आया है बेटा? बंटी की दादी आई है। मम्मी ये देखकर गुस्सा करती है और कहती है, अरे तो वो तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी है, दादी है, उनके पाँव छूकर प्रणाम करो। हेलो दादी क्या बोल रहे हो, चिंकी तुम भी दादी के पाँव छुओ। गट्टू चिंकी दोनों दादी के पाँव छूते हैं। प्रणाम दादी। अरे खुश रहो तुम दोनों, खूब पढ़ो लिखो तरक्की करो। घर में जब कोई मेहमान आए तो उन्हें अंदर बुलाते हैं बेटा। अरे बहू इनको क्यों डांट रही हो, ये छोटे हैं दोनों, धीरे धीरे समझ जाएंगे।
वो बात नहीं है आंटी जी, लेकिन मैनर्स तो अभी से सिखाने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, वो बात तो सही है। मेरा आशीर्वाद तो वैसे हमेशा दोनों बच्चों के साथ है, जैसे मेरा बंटी वैसे ये दोनों। खुश रहो बच्चों, बात तो सही है तुम्हारी, बच्चों को मैनर्स अभी से सिखाने होते हैं। खैर, मैं तुम सबको बुलावा देने आई थी। परसों हमारे घर पर सत्यनारायण की कथा है, सब जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? रुकिए, बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं, बाकी घरों में भी जाना है, फिर कभी फुर्सत से बैठूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। मम्मी दोनों को अपने पास बुलाती है। बेटा, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, समझे? अगर बंटी भी आए तो उसको भी ऐसे ही स्वागत करना है। वो आपका दोस्त है, आपका क्लासमेट, आपकी और उसकी एक ही उम्र है, लेकिन उसको भी आपको हेलो हाय करना चाहिए। सुबह मिलो तो गुड मॉर्निंग, शाम को मिलो तो गुड इवनिंग। अच्छा, क्या हमको पापा को भी सुबह उठते ही हाय कहना चाहिए? हाँ बेटा, ये सब गुड मैनर्स में आते हैं। आप दोनों राजा बेटा हो ना मेरे, अच्छे बच्चे, इसीलिए हमेशा गुड मैनर्स फॉलो करना। स्कूल में भी जब टीचर्स मिले तो उनको ग्रीट करना, बाकी बच्चों को हैंडशेक। मम्मी, ये गुड्डी तो आधा टाइम मुझसे लड़ाई करती रहती है, मैं उसको नहीं बोलूंगी हाय। ऐसा नहीं बोलती चिंकी, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। देखो, जब भी कोई क्लोज हो तो उसे सॉरी या थैंक यू बोलने से परहेज नहीं करना चाहिए। वो कैसे मम्मी? अच्छा, लेकिन मम्मी, स्कूल में हेड मैडम के भी पांव छूने हैं क्या? पापा जो कि इतनी देर से सब सुन रहे होते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं, बेटा उनको आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से बोलना, वो स्कूल में है ना इसलिए। ओके पापा। अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं और पापा मम्मी के कहे अनुसार सबको ग्रीट करते हैं। हेलो गुडी, आई एम सॉरी मैंने तुमसे लड़ाई की। तुमने सॉरी बोला चिंकी? हाँ, मम्मी ने कहा है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम नाराज होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन चिंकी, गलती तो मेरी थी, सॉरी तो फिर मुझे बोलना चाहिए था। ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। आई एम सॉरी चिंकी, आज से तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी, मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैनर्स की क्लास करेंगे। आप लोग क्या जानते हो मैनर्स के बारे में, कौन बताएगा? तभी चिंकी हाथ खड़ा करती है। हाँ चिंकी, बोलो। बड़ों के हमेशा पांव छूने चाहिए, वो जब घर आए तो उनको पानी मिलाकर चाय नाश्ता भी पूछना चाहिए, अगर दोस्त हो तो सबको हेलो हाय हग करना चाहिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं। देखा बच्चों, सुना सबने चिंकी क्या कह रही है? क्लास के सभी बच्चे एक आवाज में बोलते हैं, यस मिस। और हाँ, सुबह जब किसी से मिलो तो उसको गुड मॉर्निंग दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद दिन के समय सबको आप गुड आफ्टरनून कह सकते हो, क्योंकि तभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है। मैडम, सबको इवनिंग किस टाइम पर बोले? वैसे तो शाम को ही बोलना होता है, जब सूरज ढलने वाला हो, क्योंकि उसके बाद तो रात हो जाती है। और हाँ बच्चों, रात में सबसे आखिरी ग्रीटिंग गुड नाइट बोला जाता है। मैं अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोल कर ही सोती हूँ मिस। वेरी गुड चिंकी, और बाकी बच्चे? हम सब भी मिस। वाओ, कितनी अच्छी और सिंसियर क्लास है मेरी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गट्टू और चिंकी घर आ जाते हैं और तैयार होकर बंटी के घर जाते हैं। गट्टू भागकर दादी के पांव छूता है। दादी प्रणाम। अरे खुश रहो तुम दोनों, खूब पढ़ाई करो, तरक्की करो। मम्मी गट्टू और चिंकी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तभी पापा आकर कहते हैं, थैंक यू, तुमने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। पॉकेट मनी। शाम के 7 बज रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। चिंकी अपने स्टडी टेबल पर बिखरे हुए बुक्स को अरेंज कर रही थी, जबकि गट्टू अपने बैट को लेकर यूं ही हवा में शॉट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे, ये बैट का हैंडल तो लूज हो गया है, मम्मी मुझे नया बैट चाहिए। गट्टू, अभी पहले पढ़ाई करने बैठो,
नेक्स्ट वीक से स्कूल में एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। नया बैट अब एग्जाम्स के बाद मिलेगा, समझे? तभी पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं और उन्हें देखकर गट्टू फटाफट अपने बुक्स लेकर पढ़ाई करने बैठ जाता है। पापा मुस्कुराकर बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखते हैं और फिर खुद सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं। अरे ये टीवी का रिमोट नजर नहीं आ रहा है, आज का न्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे गट्टू और चिंकी, तुम लोगों ने टीवी का रिमोट कहाँ रख दिया? गट्टू और चिंकी रिमोट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में चिंकी को रिमोट मिल जाता है जो न्यूज़पेपर के नीचे छुप गया था। पापा ये लीजिए रिमोट, यही न्यूज़पेपर के नीचे पड़ा था। आज का न्यूज इम्पोर्टेंट क्यों है पापा? कोई क्रिकेट मैच था क्या आज? नहीं नहीं, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, आज हमारे देश का बजट डिक्लेयर हुआ है। ये कहते हुए पापा ने टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगा दिया। वहाँ एक न्यूज एंकर बजट की डिटेल्स बता रही थी और टीवी स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स और टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे थे। ये तो इतनी जल्दी जल्दी बोल रही है, आपको कैसे समझ आ रहा है? मैं तो जब तक स्क्रीन पे कुछ पढ़ पाऊँ तब तक सारे टेक्स्ट और नंबर्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और नए डिटेल्स आ जाते हैं। अरे गट्टू, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड कम है क्योंकि तुम डुओलिंगो एबीसी ऐप यूज नहीं करते। पर डुओलिंगो एबीसी ऐप में क्या होता है चिंकी? अरे डुओलिंगो एबीसी ऐप बहुत ही मजेदार तरीके से हमें नई चीजें सिखाता है। यहाँ अमेजिंग स्टोरीज होती है, कई मजेदार एक्सरसाइजेस भी होती है और खेल ही खेल में हमारी पढ़ने और समझने की स्पीड भी बढ़ जाती है। अच्छा वो कैसे? आओ दिखाती हूँ। Chad had only one chicken, but his chicken had a magic charm. Put the word chicken back together. C H I C K E N chicken. ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है चिंकी। हाँ, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक करके कोई भी आसानी से डुओलिंगो एबीसी ऐप डाउनलोड कर सकता है। चिंकी से डुओलिंगो एबीसी ऐप समझ के अब गट्टू बड़े ध्यान से टीवी पर न्यूज देखने लगता है। चिंकी भी पापा के साथ टीवी पर न्यूज समझने की कोशिश कर रही थी। ये बजट क्या होता है पापा? हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ, ये तो बहुत सारे पैसों की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए। अरे अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो बजट समझ में आ जाएगा। तब तक मम्मी किचन से आ जाती है और बच्चों के कौतूहल को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा मैं आसान शब्दों में तुम्हें बजट समझाती हूँ। बजट हमारे देश का बही खाता होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि देश को कितना पैसा कहां से आ रहा है और हम उन पैसों को कहां कहां और कितने अमाउंट में खर्च करेंगे। जैसे आप घर के खर्चे का हिसाब लिखते हो, क्या उसी तरह मम्मी? बिल्कुल सही, जैसे पापा की सैलरी को हम इनकम में लिखते हैं और घर के सारे खर्चे जैसे किराना, स्कूल की फीस, लोन्स की ईएमआईज, सेविंग्स, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के खर्चे, ये सब एक्सपेंसेस में लिखते हैं। जैसे घर का बजट वैसे ही देश का बजट। हाँ अब समझ आ गया। ये तो बहुत आसान था, समझ गई मैं। लेकिन अभी सिर्फ थ्योरी समझ में आया है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होगा। मतलब मैं तुम दोनों को 500 रुपए दे रहा हूँ इस मंथ की पॉकेट मनी और महीने के एंड में हम देखेंगे कि तुम दोनों ने इस 500 का कैसा बजट बनाया और कैसे यूज किया, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गट्टू और चिंकी 500 रुपए पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। गट्टू के पास लंबी लिस्ट थी ऐसे चीजों की जो उसे खरीदना था, एक नया बैट, बाइनोकुलर्स, एक रिमोट से चलने वाली कार और भी बहुत कुछ। चिंकी ने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में उसे 4 वीक्स तक चलाने हैं, इसलिए उसने एक नोटबुक में 4 कॉलम्स बनाए, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, और हर कॉलम के ऊपर लिखा 125 रुपए। फिर चिंकी ने मम्मी से एक पर्स लिया और उस पर्स में 125 रुपए डाल लिए पहले वीक के एक्सपेंसेस के लिए, बाकी के 375 रुपए उसने कबर्ड में रख दिए। और यहाँ गट्टू 500 रुपए पाकर बहुत एक्साइटेड हो गया था, उसने रोज स्कूल के बाद पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा खाना पीना शुरू कर दिया। उसने 150 रुपए का एक नया बैट लिया
और 80 रुपए एक बैने कूलर्स पे खर्च किए। महीने की 15 तारीख को जब उसने अपने बैग में पैसे चेक किए तो उसे झटका लगा। अरे मेरे सारे 500 रुपए खर्च हो गए, अभी तो 15 दिन और है महीने में, क्या करूँ मैं। वही चिंकी भी कभी कभी स्ट्रीट फूड खाती थी और उसने खुद के लिए नए क्रेयॉन्स भी खरीदे, पर वो एक वीक में सिर्फ 125 ही खर्चे करती थी, इसलिए 15 तारीख के बाद भी उसके पास 250 रुपए बचे थे। गट्टू अपने पैसे खत्म होने के कारण काफी उदास था और चिंकी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने गट्टू को अपने पर्स से निकाल के 50 रुपए दे दिए। मुझसे गलती हो गई चिंकी, मुझे भी तुम्हारी तरह बजट बना के पैसे खर्च करने चाहिए थे। कोई बात नहीं गट्टू, अगले महीने से तुम ध्यान रखना। महीने के एंड पर मम्मी और पापा ने गट्टू और चिंकी से 500 रुपए की पॉकेट मनी का हिसाब पूछा। गट्टू को तो याद भी नहीं था कि उसने सारे पैसे कहाँ खर्च किए, पर चिंकी ने छोटी से छोटी एक्सपेंस को अपने नोटबुक में लिख रखा था। उसकी बजट बुक में 70 रुपए की सेविंग्स भी थी और गट्टू को दिए 50 रुपए का लोन। शाबाश चिंकी, बजट के कॉन्सेप्ट को तुमने ना सिर्फ अच्छे से समझा बल्कि अपने पॉकेट मनी को खर्च करने में बजट का सही इस्तेमाल भी किया। मैं भी अपनी गलती समझ गया पापा मम्मी, नेक्स्ट मंथ से मैं भी चिंकी की तरह बजट बना के पॉकेट मनी यूज करूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, वी आर प्राउड ऑफ यू। गट्टू चिंकी और फिशिंग। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह दोनों हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। पापा उनके पीछे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मम्मी किचन में काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर से आवाज आती है, मच्छी ले लो मच्छी, एकदम ताजा ताजा मच्छी। मच्छी कैसी ताजा होती है, वो कोई फल थोड़ी है। अरे बेटा, एकदम पॉन्ड से ताजा पकड़ कर लाए होंगे अंकल। आप सभी बातें क्या कर रहे हो, जाओ मच्छी खरीद लो। पापा दरवाजा खोलते हैं और गट्टू चिंकी भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वाओ, इनकी टोकरी में इतनी सारी फिश है। हाँ देखो ना चिंकी, इतने सारे कलर की अलग अलग फिश, ये पकड़ कर लाए कैसे। बेटा वो फिशरमैन है, गांव से फिशिंग करके आई, उनके पास सब तरह की फिश है, देखो। इनको पकड़ते कैसे है, ये कैसे सहेज कर रखते हैं। इसके अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। पता है मेरा मन कर रहा है अभी फिश को पका कर खा जाऊं। लेकिन मुझे फिशिंग करनी आती ही नहीं। अरे बाबा, इनको पकड़कर सीधे पानी के टैंक में रखा जाता है, साथ ही फ्रेश वाटर वाली को फ्रेश वाटर में, पॉन्ड वाली को पॉन्ड वाटर में, और खारे पानी वाले को खारे पानी में ही रखा जाता है। उसके बाद इनको टोकरी में भरकर अलग अलग जगह बेचने निकला जाता है। खारे पानी से क्या मतलब है पापा। अरे समुद्री पानी बेटा, उसमें नमक होता है ना, इसलिए उसको खारा पानी कहते हैं। अच्छा पापा, फिशिंग कैसे करते हैं, मुझे भी देखना है। ठीक है, आप सभी इस रविवार को तैयार रहना, हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन हाँ, हम पास के गांव में एक बड़ा तालाब है, वहाँ पर फिशिंग करेंगे। मैं उसके लिए नेट ले आऊंगा और कांटा भी। क्या हमें पका कर खाएंगे फिश को। हाँ, एकदम फ्रेश नेचुरल तरीके से। रविवार के दिन सभी लोग तैयार होकर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। गट्टू और चिंकी आपस में लड़ने लगते हैं। मैं पापा के साथ आगे की सीट पर बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगी। अरे लड़ो मत आपस में, आधे रास्ते गट्टू और आधे रास्ते चिंकी आगे की सीट पर बैठेंगी। अभी ठीक है, अभी चिंकी आप आगे की सीट पर बैठ जाओ। ये, आई एम सो हैप्पी। गट्टू पीछे बैठ जाता है। बहुत ही सुंदर रास्ते से होते हुए सभी लोग एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। अरे कितनी सुंदर जगह है पापा, इतना बड़ा तालाब, यहाँ ना जाने कितनी मछलियाँ होंगी। हाँ हाँ बहुत सारी, ये जगह फिशिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। पहले मैं आप सबके लिए टेंट भी सेट कर देता हूँ, आओ आपको टेंट लगाना सिखा दूँ। पापा गाड़ी की डिक्की से टेंट, फिशिंग की जाली और डंडा निकालते हैं। मम्मी खाने पीने के सामान की टोकरी नीचे उतार देती है। गट्टू ये देखो, ये ऐसे लगाते हैं टेंट, इसको समझ लो। आप लोग फिशिंग करो, तब तक मैं बारबेक्यू लगा देती हूँ, उसमें मछली सेकेंगे पकड़ने के बाद। वाह मम्मी। थोड़ी देर में टेंट को सेट करने के बाद पापा मछली पकड़ने वाला नेट खोल देते हैं और सब लोग तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। गट्टू ये लो तुम पकड़ो ये नेट, और थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना, हिलना मत। हिलना क्यों नहीं पापा। अरे उससे मछलियों को पता चल जाता है कि ये उनको पकड़ने के लिए धागा है, वरना वो कांटे को पकड़ लेती है। चिंकी तुम भी जब गट्टू का हाथ दुख जाए तो ये नेट पकड़ लेना। ओ अच्छा,
और हाँ, जैसे ही थोड़ा भारी लगे ये नेट, इसकी डोरी को समेटना शुरू कर देना। ओके पापा। चिंकी पास में बैठी होती है। आधे घंटे से ज्यादा बीत जाता है। गट्टू थक हार कर उबासिया लेने लगता है। गट्टू, अगर तुम थक गए हो तो मैं पकड़ लेती हूँ नेट को, तुम तब तक रेस्ट कर लो। ठीक है चिंकी, लेकिन 10 मिनट बाद में वापस ले लूंगा। क्या पापा, इतनी देर लगती है इसमें तो? हाँ बेटा, फिशिंग में तो टाइम लग जाता है। जब तक फिश कांटे में ना फंसे तब तक तो धीरज रखना ही होगा। चिंकी डंडे को पकड़ कर बैठ जाती है, तभी उसको थोड़ी सी हलचल लगती है। लगता है जैसे डंडा भारी हो गया हो। पापा, मुझे अंदर खींच रही है, तो इतनी बड़ी फिश है। पापा तुरंत दौड़ कर आते हैं और डोरी खींचने लगते हैं, जिससे डोरी ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे उसमें फंसी मछली भी दिखाई देने लगती है और गट्टू चिंकी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पकड़ ली, हमने फिश पकड़ ली। मैंने पकड़ी गट्टू, तुमने नहीं। तो क्या हुआ, इतनी देर तो मैं पकड़ कर बैठा था। अरे अरे, तुम दोनों लड़ो मत, और मछली पकड़ लेना, ये आखिरी थोड़ी है। तभी चिंकी की नजर मछली पर जाती है, वो तड़प रही होती है। अरे मम्मी, ये कितनी तड़प रही है। हाँ बेटा, क्योंकि ये पानी से बाहर आ गई है, याद है ना पोयम? हाँ मम्मी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चलो गट्टू, तुम मेरे साथ आओ, हम इसको फ्राई कर लेते हैं, तब तक चिंकी और पापा और फिश पकड़ लेंगे। मम्मी फिश के पंख साफ करके उसको तवा पर सेकने लगती है। उधर चिंकी खुशी के मारे तालियां बजाती है। वाह मम्मी, इतनी फ्रेश फिश, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, आज सच में मजा आ जाएगा। अरे बाबा, बड़ी मछली आ गई, तो क्या ये डोरी टूट नहीं जाएगी? नहीं चिंकी, हम दोनों मिलकर उसको फटाफट ऊपर खींच लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, जैसे ही फिश आए तो मुझे बता देना। गट्टू डोरी को पानी में डालकर चुपचाप बैठा होता है। तभी पापा को लगता है कि ऐसे तो दोनों थक जाएंगे। अरे गट्टू, मुझे तो मैं करता हूँ, तुम थक जाओगे। नहीं पापा, आज हम दोनों को फिशिंग करने दो। तभी अचानक थोड़ी सी हलचल होती है। लगता है फिश आ गई, भारी हो गया नेट। चिंकी हेल्प करो मेरी। चिंकी भागकर गट्टू का हाथ बटाती है। पापा मन ही मन दोनों का टीम वर्क देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों एकदम तेजी से डोरी खींचने लगते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। वाह, मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, अब तो सचमुच मजा आएगा। गट्टू मम्मी देखो, इतनी बड़ी फिश। मम्मी भी भागकर देखने आ जाती है। अरे ये फिश तो सच में बहुत बड़ी है, इतनी हम दोनों के लिए पर्याप्त है। आप दोनों आकर तब तक प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लो। थोड़ी देर में सब मिलकर फिश को पका लेते हैं और खाने लगते हैं। तब पापा कहते हैं, वाव, आज तक इतना मजा तो कभी नहीं आया फिश पकड़ने में, इतनी ताजी, इतनी स्वादिष्ट। थैंक यू बच्चों, आप दोनों की वजह से आज हम भी बहुत लंबे बाद यहाँ आए। थैंक यू पापा, इतना मजा आया हमको फिशिंग करने में। और दोनों बच्चे दौड़कर पापा को हग कर लेते हैं। लंच ब्रेक। स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे किसका वेट करते हैं, आपको क्या लगता है? गेम पीरियड का और स्कूल छूटने का इंतजार सभी बच्चों को होता है, लेकिन एक और चीज है जिसका इंतजार बच्चों को होता है, वो है लंच ब्रेक। क्योंकि उस ब्रेक में सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, साथ में खाना खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। सभी बच्चों की तरह हमारे गट्टू चिंकी भी जाते हैं स्कूल, और उनको क्या पसंद होगा। एक दिन पापा गट्टू और चिंकी से पूछते हैं, गट्टू चिंकी, तुम्हें स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है? पापा के इस सवाल का गट्टू ने झट से जवाब दिया, मुझे तो गेम पीरियड अच्छा लगता है पापा। और चिंकी बेटा तुम्हें? मुझे तो पसंद है लंच ब्रेक। अरे हाँ, मुझे भी लंच ब्रेक का वक्त बहुत पसंद है। पापा गट्टू चिंकी के ये सवाल सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा, चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाओगे तभी तो तुम्हारा प्यारा लंच ब्रेक एंजॉय कर पाओगे। पापा की बात सुनकर गट्टू चिंकी दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को एक बात याद आती है और वो धीमी आवाज में चिंकी से कहता है, अरे कल का प्लान भूल गई चिंकी, कल हम सब लंच ब्रेक में पार्टी करने वाले हैं।
अरे हाँ, और सब लोग अपने अपने टिफिन में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट डिशेस लाएंगे, ऐसा तय हुआ था। मैं तो भूल ही गई थी। गट्टू ने जैसे ही चिंकी को याद दिलाया, चिंकी एक्साइटेड हो गई और उसने मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी, मम्मी। चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी तुरंत बाहर आ गई और चिंकी से कहा, क्या हुआ चिंकी? मम्मी का टिफिन में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और चपाती। क्यों, क्या हुआ? कल कुछ स्पेशल है क्या? हाँ मम्मी, उसे तो स्पेशल ही कह सकते हैं। किसी का बर्थडे तो नहीं? अरे नहीं मम्मी। तो फिर? गट्टू चिंकी चाहते थे कि कल मम्मी टिफिन में देने के लिए कुछ खास बनाए, लेकिन उनको कहाँ कुछ पता था कि गट्टू चिंकी और उनके दोस्तों ने मिलकर लंच के लिए क्या प्लान तैयार किया है। इसलिए मम्मी क्या क्यों कैसे सवाल पूछे जा रही थी। तो गट्टू चिंकी ने कहा, चिंकी तुम मम्मी को डिटेल में बताओ कि कल ऐसा क्या है जो हम दोनों टिफिन में खास कुछ बनाने का कह रहे हैं। गट्टू की बात होते ही चिंकी कल लंच ब्रेक में होने वाले टिफिन पार्टी के बारे में मम्मी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। तो क्या बना रही हो कल? वो भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। गट्टू और चिंकी दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अब चलो अपने कमरे में सो जाओ। दूसरे दिन गट्टू चिंकी अपने आप ही सुबह जल्दी उठकर स्कूल की तैयारी करते हैं। दोनों काफी उत्सुक है कि मम्मी टिफिन में क्या दे रही है। दोनों किचन में जाते हैं तो उनके टिफिन ऑलरेडी पैक होते हैं, इसलिए सरप्राइज बाहर नहीं आता। स्कूल पहुंचते ही उनके सभी दोस्तों से मिले। बंटी, गुड्डी, हरी, राजू सभी दोस्त गट्टू चिंकी से पहले ही स्कूल पहुंच गए थे। लो गट्टू चिंकी भी आ गए। लेट हो तुम दोनों, मुझे लगा आओगे भी या नहीं। ऐसे कैसे नहीं आते, आज तो लंच ब्रेक में मजे करने हैं, पार्टी है। गट्टू चिंकी और उनके सभी दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब लंच ब्रेक होगा और कब वो इकट्ठा होकर मजे करेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। पहला पीरियड शुरू हुआ। गट्टू और बंटी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बंटी उनसे टिफिन में क्या लाया है वो बता रहा था कि तभी सर ने उन्हें पकड़ लिया। क्या गड़बड़ चल रही है वहाँ? गट्टू और बंटी खड़े हो जाओ। कुछ भी तो नहीं सर। तुम बताओ बंटी, क्या खुसुर फुसुर चल रही थी? कुछ नहीं सर, अब ये वो लंच ब्रेक। लगभग बंटी के मुंह से लंच ब्रेक निकल ही गया था। क्या, क्या कहा? नहीं सर, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें मत करो। गट्टू ने तुरंत संभाल लिया, नहीं तो पूरे क्लास को आज पता चल जाता कि गट्टू चिंकी और उनकी टीम ने लंच ब्रेक में क्या प्लान किया है। धीरे धीरे एक एक पीरियड होता गया। अब बस लंच ब्रेक से पहले होने वाला जियोग्राफी का पीरियड बाकी था। उसके खत्म होते ही लंच ब्रेक था। सबसे बोर सब्जेक्ट तो मुझे ये जियोग्राफी लगता है। मुझे भी, लंच ब्रेक से पहले होता है इसीलिए मैं सह पाता हूँ, वरना मैं तो सो जाता। सचमुच क्लास में सब बोर हो रहे थे, शायद सभी को भूख लगी थी। सभी लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। मैंने टिफिन में गरम गरम पराठे लाए थे यार, और ठंडे हो गए होंगे, और ये पीरियड है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हरी को तो इतनी भूख लगी थी कि वो जियोग्राफी, क्लासरूम सब कुछ भूल गया था और खाने की बातें करने लगा था। सब लंच ब्रेक की बहुत राह देख रहे थे। क्लास के सभी बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक लंच ब्रेक की घंटी बजी, लेकिन बच्चे इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन हरी जोर से चिल्लाया, गट्टू चिंकी लंच ब्रेक हो गया ये। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि अभी तक जियोग्राफी की टीचर क्लास में ही है। गट्टू चिंकी गैंग को लगा कि अब टीचर उन्हें डांटेंगी, लेकिन टीचर ने भी बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, इंजॉय करो बच्चों। बच्चे भी इंजॉय करने लगते हैं। घंटी बजते ही सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर ग्राउंड की तरफ दौड़ते हैं। गट्टू चिंकी, हरी, राजू, गुड्डी सब स्कूल के प्ले ग्राउंड में एक पेड़ के छांव में इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोगों ने अपनी पसंद की चीजें टिफिन में लाई थी। सब एक एक करके टिफिन में क्या क्या लाए हैं बताओ, ठीक है? जैसा चिंकी ने कहा ठीक वैसे ही सभी बच्चे करने लगे। वो अपने टिफिन में क्या क्या लाए हैं वो बता रहे थे।
मैंने तो पराठे लाए हैं भाई। और तुमने बंटी? मैंने तो लाया है मसाला डोसा विद चीज। वाओ, सो यम्मी यम्मी। सबने अपने अपने टिफिन खोले। किसी ने छोले भटूरे लाए थे तो किसी ने मसाला राइस। सब तो अपना अपना टिफिन खोलकर बैठे थे। अभी भी गट्टू चिंकी का टिफिन बंद था, सरप्राइज बाहर नहीं आया था। अरे गट्टू चिंकी, तुमने क्या लाया है वो तो दिखाओ जरा। वो एक सरप्राइज है हमारे लिए भी। तो चलो जल्दी से टिफिन खोलो, देखो तो क्या है अंदर। गट्टू चिंकी अपना टिफिन खोलते हैं। उसमें एक खुशबूदार मसाला पनीर की सब्जी और गार्लिक नान थे, और साथ में ही थे मीठे मीठे गुलाब जामुन। वाह, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट। मेरे भी फेवरेट। हमारे भी। ये तो बहुत बढ़िया सरप्राइज था गट्टू चिंकी। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। हरी के लाए हुए पराठे पनीर की सब्जी और छोले भटूरे सब आपस में मिलजुल कर खा गए। खाना खाते वक्त हंसी मजाक मस्ती तो चल ही रही थी। अंत में सभी ने गुलाब जामुन खाया और गट्टू चिंकी के सरप्राइज की, यानी कि गट्टू चिंकी की मम्मी की जम के तारीफ हुई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।